हेलो स्टूडेंट्स माए साहब कपिल जोशी फ्रॉम रेजिडेंस आज हम कल जो पेपर हुआ था तीन तारीख को जई मेंस का एडवांस का जो जे, जेई एडवांस का जो पेपर हुआ था संडे को कल तीन तारीख को उसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे आज है ना पेपर नंबर टू के ना तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग सेट दे रखे हैं देर आर फोर सेट्स एस वन एस टू एस थ्री एस फोर ये सारे सेट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं और इनमें आने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं ना जितने एलिमेंट आएंगे अब जैसे एस वन के अंदर ट्रिपलेट हमारे पास है ना यहाँ पर पेयर हमारे पास है यहां हमारे पास एलिमेंट्स कर काउंट तो करने की कोशिश करते हैं एस वन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस वन तो एस वन में आई चाहिए जे चाहिए और के चाहिए ना आई जे और के बट दीज ऑल आर एट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कोई रिलेशन नहीं है भाई आई छोटा है जैसे या जे के से बड़ा है ना ऐसा कोई रिलेशन नहीं है तो इस आई को फिल करने के हमारे पास इक्वल भी हो सकते हैं डिस्टिंग भी हो सकते हैं छोटे बड़े भी हो सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकते हैं ना तो आई को फिल करने के टेन पॉसिबल वेज हमारे पास है ना जे को फिल करने के टेन पॉसिबल वेज है K के लिए टेन पॉसिबल वेज है देर फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस फन एलिमेंट 10 10 10. So, आ गए तो so, तो पर आते हैं ना S2 में पेयर हमारे पास है फर्स्ट एलिमेंट आई है सेकंड एलिमेंट जे है लेकिन आई और जे रिलेटेड है हमारे आई लेस देन जे प्लस टू होगा वो लेस देन टू टेन होगा और आई जो है आने वाले एलिमेंट अगर हम काउंट करना चाहते हैं तो एस टू में हमारे पास रेस्ट्रिक्शन ही है आई लेस देन जे प्लस टू लेस देन इक्व टू टेन आई इज टू वन तो एस टू में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने के लिए सिंस आई और जे में रेस्ट्रिक्शन है तो केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे हमें यहाँ इफ यू कंसिडर जे जिगल टू वन इफ यू कंसिडर जे जिगल आई विल बी लेस देन थ्री एन गेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए ये इंश्योर करना है हमें जे को इस तरह सेलेक्ट करना है कि आई जो है वो यानी जे प्लस टू टेन से बड़ा नहीं आना चाहिए तो I, अगर जे में वन लेता हूँ तो आई विल बी लेस देन थ्री एंड गेट देन इक्ल टू वन देयरफॉर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई इट एम्प्लाईज आई विल बी इक्वल टू और टू तो दो पेर तो यहां हमारे पास अगर मैं को अगर मैं कोमा जे को काउंट करूंगा तो टू पॉसिबल पेयर आ जाएंगे हमारे पास टू पॉसिबल पेयर फॉर जे इजीगल टू वन सिमिलरलीफ यू कंसिडर जे इजल टू देन दिस इनइक्वालिटी विल बिकम आई लेस देन

प्लस फोर अप टू नाइन अब ये सब निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से हम <coughs> हम देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर हमारे पास अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना चाहेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स विल भी एट तो ए पी का एट बाई टू एंड फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इस सम को निकाल सकते हैं ना एंड वी गेट फोर्टी फोर तो फोर्टी फोर बिल द आंसर ए पी का फॉर्मुला लगा दिया इनको काउंट करने के लिए इनका सम निकालने के लिए तो इस तरह से एस टू में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे फोर्टी फोर आ जाएंगे ना अब एस थ्री पर आते हैं बच्चों ना एस थ्री में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करते हैं ना एस थ्री में क्या है हमारे पास क्वाड्रेपल्स हैं एक तरह से ना आई भी है जे भी है के भी है फर्स्ट एलिमेंट आई है सेकंड एलिमेंट जे है के है फिर एल है और ये रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है ना इस रेस्ट्रिक्शन से मालूम पड़ रहा है कि आई जे के एल डिफरेंट है और आई की मिनिंग वैल्यू वन के बराबर है यानी हमें ऑर्डर का ध्यान ऑर्डर का ध्यान रखना है कि ये बेसिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है लीस्ट नंबर आई है उसके बाद फिर जे आएगा तो अगर ये सब डिफरेंट है तो मुझे यहाँ से बेसिकली सिंपली कुछ नहीं करना यहाँ से मुझे चार एलिमेंट सेलेक्ट करना है सबसे छोटा वाला आई होगा उससे बड़ा वाला जे हो जाएगा उससे बड़ा फिर के हो जाएगा एंड देन ग्रेटेस्ट जो आएगा एल आ जाएगा तो सिंपली अगर मैं एस थ्री में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करना चाहूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी एस थ्री विल इक्वल टू टेन सी फोर एंड दिस विल कम आउट टू बी टू वन जीरो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 210, तो इट विल कम आउट टू बी टू वन जीरो तो एस थ्री के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जाएंगे टू वन जीरो एक तो फोर्टी फोर आ गया तो बी भी, भी करेक्ट आएगा ना और एन थ्री हमारे टू वन जीरो आएगा तो एस सी तो करेक्ट नहीं है ना अब हमें एस फोर में नंबर ऑफ एलमेंट निकालने अगेन यहाँ चार नंबर मुझे सेलेक्ट करने हैं लेकिन डिस्टिंट हमारे पास है ना डिस्टिंग में यह है कि हमें पता नहीं है कौन छोटा है कौन बड़ा यहाँ तो ऑर्डर दिया हुआ था डिस्टिंक तो यहां भी थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे लेकिन दिया हुआ था इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए ना अभी डिस्टिंट तो है लेकिन मैग्नीट्यूड के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो मुझे चार डिफरेंट नंबर चाहिए यहाँ से ना तो टोटल नंबर हमारे पास दस है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस फोर हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल नंबर हमारे पास दस है यहाँ से दस में मतलब से मैं चार सेलेक्ट कर लेता हूँ ये चार डिफरेंट नंबर आ गए मेरे पास है ना अब इनको अरेंज कर देते हैं चार फैक्ट्रल से ना क्योंकि ऑर्डर मैंशन किया हुआ नहीं है चार फैक्ट्रल तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा

क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं बच्चों ना एसओटी से है थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा टफ है सोचना पड़ता है इसमें ना ऑप्शंस भी हैं ए बी सी डी जो है हमें चेक कर रहे हैं कौन सा करेक्ट है ना तो फर्स्ट पर आते हैं अपने ना हमें दिया हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर है ट्राइंगल पी क्यू आर पी के अपोजिट साइड जो है उसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको स्मॉल क्यू से कर रहे हैं इसको स्मॉल आर से कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों तो कॉस पी का फॉर्मला लगा देते हैं अपने है ना चेक करना है ये ट्रू है या नहीं है ना पता नहीं है में ट्रू है या नहीं है तो कॉस पी हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ना <coughs> तो कॉस पी बेसिकली ए ऑप्शन जो हमारे पास है चेक uh, करना है ट्रू है फॉल्स है ना तो उसके लिए कॉस पी हम कैलकुलेट कर लेते हैं since cos p is equal to q plus r minus p upon 2QR. अब ध्यान से देखें डिनोमीटर तो में क्यू आर ही है हमारे पास पी स्क्वायर से भी कोई दिक्कत नहीं है क्यू स्क् को रिमूव कर रखा है ना तो कहीं ना कहीं हम यहां देख सकते हैं हमें पता लगाना है भाई p की मिनिमम वैल्यू है हमारे पास है ना ये निकालने की कोशिश करनी है कि इसके बराबर आ सकती है क्या तो सिंस q और r ट्रायंगल की साइड्स हैं मतलब ये दो पॉजिटिव नंबर हमारे पास हैं तो क्यू स्क्वायर भी पॉजिटिव है आर स्क्वायर भी पॉजिटिव है अगर इन पर मैं एम जी एम लगाता हूँ पर अगर मैं एम जी एम लगाऊंगा तो दिस विल बी ग्रेटर इक्वल टू स्क्वायर 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 रूट ऑफ तो यहां से हम बोल सकते हैं कि क्यू स्क्र अपन टू क्यू आर अपॉन टू क्यू आर दिस बीटर अब मुझे इस एक्सप्रेशन के बारे में चेक करना है ना कि ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन के बारे में चेक करना है यानी इसको क्रिएट करना है ना तो यहाँ क्रिएट कर सकते हैं ना बेसिकली ये ऐसा लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर इस तरह का एक्सप्रेशन मैं क्रिएट कर सकता हूं क्योंकि तो मुझे पी के बारे में कमेंट करना है ना तो ये तो क्रिएट कर ही लिया हमने दोनों साइड हम सेम नंबर को क्या करते हैं ऐड करते हैं दोनों तरफ मैं ऐड कर देता हूं माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर इफ यू एड बोथ साइड्स इफ यू एट माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर माइनस पी स्क्वायर अपॉन टू क्यू आर तो इनिक्वलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं है ना बी गेट वन माइनस पी स्क्र अपॉन टू क्यू आर नो वट दिस इज दिस कैन बी रिटर्न अगर ये कॉस पी हमारे पास तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट वीकैन सेन इक्वल टू कॉस पी इक्वल टू वन माइनस पी स्क्र अपॉन टू क्यू आर तो ए ऑप्शन तो करेक्ट है बच्चों है ना ए ऑप्शन इज करेक्ट तो एक तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा ना बी ऑप्शन पर आते हैं हम बी ऑप्शन में अभी हमें चेक करना है अगेन स्मॉल लेटर जो है वो ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल लेटर जो है हमारे पास एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें हमें चेक करना है ट्रू है फॉल्स है ना तो इसमें एक तो पी प्लस क्यू पॉजिटिव नंबर इससे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉन्डिक्शन से करेंगे मतलब मैं एक एक्सप्रेशन जनरेट कर लूंगा और वो देखेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है ना तो अगर मैं बी ऑप्शन की बात करता हूँ तो बी ऑप्शन का बच्चों देखो ऐसा लिख सकते हैं बी ऑप्शन कन्व्यूटर एज पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू इंटू कॉस आर पी प्लस क्यू इंटू कॉस आर इंटू कॉस आर दैट इज ग्रेटर टू मानी वो प्रूव करें यह प्रूव करें एक ही बात है वो लिखा हुआ है क्यू माइनस आर कॉस पी लिखा हुआ है एन प्लस पी माइनस आर कॉस क्यू लिखा हुआ है ना पी माइनस आर कॉस क्यू तो हमें चेक करना है ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर ही ट्रू होगा या नहीं होगा ना तो इसको चेक करने के लिए हम देखते हैं हमने एज्यूम कर लिया कि ट्रू है कॉन्ट्रोडिक्शन से चल रहे हैं हमने एज्यूम कर लिया कि ट्रू है अब देख रहे हैं वाकई में ट्रू हो सकता है नहीं हो सकता तो इसमें इंटरचेंज वगैरह करते हैं क्योंकि कोसाइन जो है वो ट्राइंगल की सिंगल साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है और जब भी कोसाइन ट्राइंगल की सिंगल साइड से मल्टीप्लाई होता हुआ हो नजर आए तो विद थिंक अबाउट द प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ना बताया भी जाता है आपको कोसाइन जब भी ट्राइंगल की सिंगल साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्रोजेक्शन फार्मूला यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो जो नेगेटिव टर्म्स हमारे पास है उनको इंटरचेंज करने की कोशिश करता हूँ मैं लिखा हुआ पी कॉस आर दिस इज पी कॉस आर इसको इंटरचेंज किया मैंने आर कॉस पी को तो आर कॉस पी प्लस एक क्या लिखा हुआ है क्यू कॉस आर फिर इसको मैंने इंटरचेंज कर लिया एंड दिस इज प्लस आर कॉस क्यू दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू कॉस पी प्लस पी कॉस क्यू इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना बाय यूजिंग प्रोजेक्शन फ्रॉमला वी कैन से दिस विल बी इक्वल टू स्मॉल क्यू

तो बी ऑप्शन भी बच्चों करेक्ट आ गया इसका मतलब है ना करेक्ट आंसर अब सी ऑप्शन पर आते हैं ना तो कहीं ना कहीं वापस जो है वहां साइन क्यू है तो वही मैं क्या करूंगा एम जीएम लगा दूंगा सी ऑप्शन को अगर मुझे चेक करना है तो सी तो ऑप्शन को चेक करने के लिए हम अगर एम जी एम अप्लाई करें तो सिंपली वी कैन विल बी देन इक्वल टू रूट ऑफ क्यू इन आर दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अब हम देख सकते हैं हमें जो है पी चाहिए ना तो एक तो टू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोन से लिखा जा सकता है ना अब हम चाहते हैं दोनों तरफ डिवाइड कर सकता हूँ तो उससे साइन पर फर्क नहीं पड़ेगा और हम साइन क्यू और साइन आर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना क्यू को लिखा जा सकता है के इन साइन क्यू

तो दिस विल द रॉन्ग ये करेक्ट नहीं होगा बच्चों ना ये करेक्ट ऑप्शन नहीं आएगा ना डी वाले पर आ जाते हैं ना डी वाले में दिया अगर ये गिवन कंडीशन है अगर लेस देन है एंड पी लेस देन आर है देन विल बी यानी अगर ये दो कंडीशन गिवन है तो क्या ये और ये ट्रू हो सकते हैं कि ट्राइंगल में हमें चेक करना है ना तो इसमें यहाँ निकाल के देखा जा सकता है वही यहाँ पर भी हम ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन से चलेंगे इसको लेकर देख लेते हैं ना और दिखा देते हैं ट्रू आएगा नहीं आएगा ना तो कॉस् क्यू अपॉन पी आर की कॉस्ट क्यू ग्रेटर पी आर की बात करनी है अपने को तो सिंस कॉस क्यू गडन पी आर और एक लिखा हुआ था कॉस आर गडन पी वाई क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर ये साइम ट्रू हो सकते हैं क्या ना उसके लिए हमें दिया हुआ है कि पी जो है ये गिवन पी है पी लेस देन क्यू है पी लेस देन क्यू है ना पी लेस देन क्यू गि पी लेस देन क्यू

P या Q या R कोई ट्राइंगल का एंगल है तो साइन P साइन Q साइन R हमेशा पॉजिटिव होते हैं ना इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों ना क्योंकि पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना और इसको लिख सकते हैं साइन P अब यहां पर एंगल में Q और R हमारे पास है ना तो P को क्या करें हम Q और R में कन्वर्ट कर लें तो P को लिखा जा सकता है पाई माइनस क्यू प्लस आर तो वी कैन राइट दिस क्रॉस क्यू साइन आर विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ क्यू प्लस आर साइन ऑफ क्यू प्लस आर साइन थीटा पी को लिख सकते हैं पाई माइनस ब्रैकेट क्यू प्लस आर एंड साइन पाई थीटा थीटाइस प्लस साइन थीटा तो ऐसा आ जाएगा अब एक टर्म साइन का एक टर्म को उसका, तो वहां जनरेट हो जाएगा ना इसको लिखा जा सकता है साइन क्यू साइन कॉस आर प्लस कॉस क्यू साइन आर और अगर मैं इंटरचेंज करता हूं यह कॉपी कर ही रखा है मैंने कॉस क्यू साइन आर को मैंने कॉपी कर रखा अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो वाड वी गेट साइन क्यू

अगर ये ट्रू हो भी जाएगा तो इसको ट्रू होने के लिए जरूरी है कि कॉस आर नेगेटिव हो जाए लेकिन अगर कॉस आर निगेटिव हो जाएगा तो फिर वो ट्रू नहीं हो पाएगा कभी ना तो डी इज़ नॉट द करेक्ट आंसर डी आंसर करेक्ट नहीं होगा बच्चों तो आंसर जो करेक्ट आएगा वो ए और भी आ जाएगा ना थोड़ा ट्री था मतलब एम जी एम भी लगाना पड़ा एस टी भी लगाना पड़ा हमें ना क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं बच्चों ना लेबनिस थरम से रिलेटेड है थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रल का भी यूज होगा और लेबनीज थ्योरम का भी यूज़ करेंगे फंक्शन एफ कंटिन्यूस फंक्शन दिया हुआ है माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू कोडोमेन उसका आर दिया हुआ है एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है एफ ऑफ जीरो जीरो टू वन गिवन है और एक है जीरो टू फाइव बाई थ्री एफ ऑफ टी डी डी बराबर जीरो है पता ना पता लगाना है कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है ना तो ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं ना अब फंक्शन कंटिन्यूस है एफ एक्स के बारे में जानकारी है कि एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है हम ही जानते हैं ये कंटिन्यूस होगा ही सही तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है हमारे पास है ना और पता लगाना है कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन आएगा क्या तो जब भी हमें किसी इक्वेशन के किसी गिवन इंटरवल में एटलीस्ट वन सोल्यूशन के बारे में बात करनी हो रोज शर्म भी हमारे माइंड में आती है ना एक डेफिनेट में पढ़ते हैं ना कि अगर मैं जीरो टू पाई बाई थ्री इस फंक्शन का इंटीग्रल निकाल लूँ किसी कंटिन्यूस फंक्शन का अगर मैं ए टू बी इंटीग्रल चेक कर लूँ कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर जीरो है तो ए से बी के बीच में ओपन इंटरवल ए टू बी में एफ एक्स बराबर जीरो का कम से कम एक रूट आता है ये हम जानते हैं ना आपको पढ़ाते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की शुरुआत में बता देते हैं हम आपको ये तो यहाँ देख सकते हैं भाई अगर मैं इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँ सिंस जीरो टू पाई पाई बाई थ्री एफ एक्स माइनस थ्री टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थ्री एक्स इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ ना एंड द वैल्यू ऑफ़ दिस इंटिकल विल कम आउट टू बी जीरो ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है बच्चों देखो ये तो क्लियर दिया हुआ है मैंने ये तो मैं क्लियर लिखा हुआ है ना एफ एक्स कंटिन्यूस है और ये इंटिकल जीरो के बराबर है ना तो अगर मैं इस लिमिट को यहाँ लगाता हूँ तो वो एंटिकल तो जीरो आ जाएगा अब देखो जब मैं इस एंटिकल को यहाँ लगाऊंगा तो कॉस थ्री को इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा बच्चों एक तो आएगा वन बाई थ्री साइन थ्री एक्स लेकिन साइन थ्री एक्स आने के बाद चाहे मैं एक्स को पाई बाई थ्री रखूँ चाहे मैं एक्स को जीरो रखूं

थ्री टाइम्स ऑफ कॉर्स ऑफ थ्री एक्स थ्री टाइम्स ऑफ कॉर्स ऑफ थ्री एक्स इज इकल टू जीरो विल हैव एटलीस्ट वन रूट इन द ओपन इंटरवल जीरो कमा पाई बाय थ्री आई थिंक क्लियर हुआ होगा बच्चों सेम हम यहाँ यूज करेंगे ना लेकिन हम देख रहे हैं भाई इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं जीरो से पाई बाय थ्री ये तो जीरो आ जाएगा लेकिन इसका इंटीग्रल जीरो नहीं आएगा लेकिन कोई बात नहीं हम तो इस इक्वेशन की बात करनी है तो उसको अपन इंटरचेंज कर लेते हैं तेरे ना उसको अगर मैं इंटरचेंज कर लूंगा ना बच्चों उसके बाद एक फंक्शन कर लेंगे हम यानी हमें दिखाना है ये जो इक्वेशन है एफ एक्स माइनस थ्री टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थ्री एक्स इजिकल टू माइनस सिक्स अपॉन पाए यह दिखाना है कि, ये चेक करना है कि इस इक्वेशन का ओपन इंटरवल जीरो में एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा उसके लिए अगेन वो सेम इंटीग्रल वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं ना तो उसके लिए मैंने इसको इंटरचेंज कर लिया एफ एक्स माइनस थ्री टाइम्स साइन ऑफ थ्री एक्स एन प्लस सिक्स अपॉन पाएकल टू जीरो चेक करना है मैं. इसकी बात करें इसकी बात करें एक ही बात है ना तो इसको मैंने एक जीएक्स मान लिया ना ये एज्यूम कर लिया मैंने जीएक्स है ना नो उट जीएक्स कंटिन्यूस है और अगर मैं दिखा दूँ कि जीरो टू पाई बाई थ्री अगर मैं दिखा दूँ कि जीरो टू पाई बाई थ्री जी एक्स डी एक्स इजिकल टू जीरो है तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा द इक्वेशन जी एक्स बराबर जीरो सोल्यून इन द ओपन इंटरवल जीरो पाई बाई थ्री सही बोल रहा हूँ बच्चों अगर मैं दिखा दूंगा कि इंटीग्रल जीरो आ रहा है तो फिर आपको मानना ही होगा कि जीरो टू पाई बाई थ्री में जी एक्स पराबर जीरो का कम से कम एक रूट आएगा जीएक्स का मतलब इसको मैं जी एक्स बोल रहा हूँ ना और नो no डाउट अगर आप इंटीग्रल निकालेंगे जीरो टू पाई बाई थ्री जी एक्स अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा ना तो दैट विल कम आउट टू बी जीरो टू पाई बाई थ्रू एफ एक्स माइनस थ्री टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थ्री एक्स एंड प्लस सिक्स अपॉन पाए तो मेरे हिसाब से मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना इंटीग्रेट करके बताने की कोई आवश्यकता नहीं है और डेफिनेटली इट विल कम आउट टू बी जीरो इसको इंटीग्रेट करते जीरो आ जाएगा और अगर जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट जी एक्स बराबर जीरो रूट इन द ओपन इंटरवल जीरो तो ए और बी ऑप्शन के अंदर दोनों करेक्ट हो गए बच्चों ना ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है ना ए इज द करेक्ट आंसर बी इज़ अगेन द करेक्ट आंसर थोड़ा सिंपल सवालों में से है पेपर थोड़ा टफ था हालांकि लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती लेकिन थोड़ा सिंपल सवालों की कैटेगरी में आता है ना ये बच्चों से हुआ होगा ऐसी उम्मीद है ना अब सी ऑप्शन पर आते हैं ना सी में वही लेब्निस्तर लगा देते हैं इस तरह लिमिट दिख रही है ना लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो है ये ई की जो पावर है इसको अपन एफेक्स बोल रहे हैं ये जीरो पर अप्रोच कर रहा है तो कहीं ना कहीं तरह लिमिट का यूज़ कर सकते हैं देखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो एक्स एंड जीरो टू इसको कैलकुलेट करना है ना

उसके लिए इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ सकती है ना एंड मॉडल्स ऑफ ओबी वेक्टर टॉस ओसी वेक्टर वक्टर जीरो नाइन बाई टू जैन हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना तो so, इसमें बार बार ओसी वेक्टर का कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है यहाँ भी हमें सी की पोजिशन वक्टर की जरूरत पड़ेगी यहाँ भी रिक्वायरमेंट आएगी तो हमें पहले सी का पोजिशन वैक्टर निकालना पड़ेगा एंड फॉर देट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा अब लैम्डा निकालने के लिए सवाल में जो न्यूमरिकल वैलिया था ओ ए वैक्टर ओ बी वैक्टर हमारे पास है या फिर ये गिवन इनफॉर्मेशन है तो बेसिकली इसी का यूज़ करते हैं और इसी का यूज़ करके लैम्डा निकाल लेते हैं ना तो सिंस मॉडल ऑफ अगर मैं ओ क्रॉस ओसी को चेक करना चाहूँ ओ वेक्टर क्रॉस ओसी को अगर मैं चेक करना चाहूंगा तो ओबी वेक्टर में कोई डिस्टर्बेंस क्री एन करते हैं हम ओबी वेक्टर को मैंने कॉपी कर लिया वॉड इज ओ सी हाफ ऑफ ओ वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ओ वेक्टर इसको बच्चों में ऐसे लिख सकता हूं ना अब हाफ तो स्कल क्वानिटी उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ ना व्हाट इज ओ क्रॉस ओ दैट विल कम आउट टू बी जीरो तो वो जीरो आ जाएगा ना

तो मॉडल कितना आ जाएगा मॉडल ऑफ माइनस लेमडा बाई टू एंड इज मॉडल साइन का कोई मीनिंग नहीं है ना इस माइनस साइन का तो मैं प्लस साइन बना सकता हूं ना इसको तो मैं प्लस साइन कर सकता हूं ना और लैम्डा पॉजिटिव है तो मॉडल लगाने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है ना यहां पर मुझे मॉडल लगाने की आवश्यकता नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो आप इसको लिखा जा सकता है अगर हम इसकी बात करेंगे तो आ जाएगा लेमडा बाई टू आ जाएगा टू से भी मैं टू को कैंसिल कर देता हूँ मेरे हिसाब सा, से आई थिंक टू से से कैंसिल कर देना चाहिए ना अब बच्चों ध्यान से देखो आप ओ बी वैक्टर आपको गिवन है ओ ही वैक्टर आपको गिवन है तो अब मेरे हिसाब से मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप ओ बी क्रॉस ओए ही निकाल सकते हैं है ना वैक्टर प्रोडक्ट का यूज करके डिटरमिनेंट का यूज करके निकाल सकते हैं हम और अगर ओ बी क्रॉस ओए निकाल सकता हूँ तो मैं उसका मॉड भी निकाल सकता हूँ ना

क्टर ओ सी वैक्टर का मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ ना ओ सी वैक्टर बोले या सी का पोजिशन वैक्टर बोले एक ही बात है ना दिस इज ओ बी माइनस ओ ए अब बाकी के जो ऑप्शन हमारे पास हैं वो लेमडा की वैल्यू आने के बाद अपन सोच सकते हैं ना तो सबसे सब पहले देखते हैं प्रोजेक्शन वी टू कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए वैक्टर ओसी वैक्टर ऑन ओ ए वैक्टर ओसी का मुझे ओ ए पर प्रोजेक्शन निकालना है ना तो उसको निकाल सकते हैं ना तो सिंस प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ ऑन कैन बी एज़ ओसी वैक्टर डॉट ओ ए वैक्टर अपॉन मॉडल ये प्रोजेक्शन होगा बच्चों हमारे पास है ना वेक्टर की बात कर रहे हैं ना जो भी प्रोजेक्शन आएगा चाहे चाहे नेगेटिव आए आए पॉजिटिव वही कंसिडर करना पड़ेगा आपने अपने और ओसी वैक्टर को देखा दिखा है बच्चों हमने ना अभी हमने कैलकुलेट किया ओसी वैक्टर इज गड हाफ ओ बी माइनस ओ ए अभी हमने देखा था बच्चों है ने तो हमें क्या निकालना है ओसी डॉट ओ ए निकालना है ना तो ओसी डॉट ओ ए को निकाल सकते हैं ना अपन और अगर मैं ओ डॉट ओ को निकालना चाहूँगा तो उसको निकालने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी ना प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी वैक्टर ऑन ओ ए मुझे कैलकुलेट करना है ना प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी वैक्टर ऑन ओ ए वैक्टर ओ सी वैक्टर ऑन ओ ए मुझे कैलकुलेट करना है और ओ सी में निकाल चुका हाफ ऑफ ओ बी माइनस ओ तो उसको निकालते हैं बच्चों ना। तो ओसी डॉट ओ को निकाला जा सकता है ना और अगर मैं ओसी डॉट ओ निकालूंगा तो दैट इज वन बाई टू वन बाई टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इंटू ओ ए वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओ ए वैक्टर तो बच्चों इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से ना इसको भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से ना क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूं ओ बी वैक्टर और ओ ए का डॉट तो जीरो आ रहा है ना ओ बी डॉट ओ ए अगर मैं निकालूंगा बच्चों तो वो जीरो आ जाएगा ना दिल्ल कमाउंट टू भी माइनस हाफ माइनस हाफ इंटू मोड ओ ए वैक्टर मोड ऑफ ओ ए वैक्टर यह आ जाएगा क्योंकि मोड ओ एन टू मोड ओ ए मोड ओ ए का होल स्क्वायर आ जाएगा ना और ओ ए डॉट ओ बी कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू थ्री ये थ्री आ रहा है बच्चों अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो तो दिस विकमाउंट टू भी माइनस थ्री बाई टू तो प्रोजेक्शन ऑफ ओ सी वक्टर ओ ए वैक्टर पर कितना आ गया माइनस थ्री बाई टू आ गया यानी ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चों हमारे पास है ना ए इज द करेक्ट आंसर अब ए के बाद अगर मैं ए अगर मैं कैलकुलेट कर चुका निकाल सकते हैं ना बच्चों देखो ओ ए इंटू ओ ओ कितना आ रहा है जीरो आ रहा है हमारे पास है ना जीरो आ रहा नहीं आ रहा टू आ रहा है फिर वो टू आ रहा है फोर आ जाएगा माइनस फोर आ जाएगा तो वो परपेंडिकुलर था और मोड ऑफ ओ ए अगर मैं निकालूंगा तो थ्री आ जाएगा तो प्रोजेक्शन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे ओ ए भी निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी को निकाला जा सकता है ना अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ भी निकालना चाहूंगा तो सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इजल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल फो ए बी न बी रिटर्न और देखो ओ ए क्रॉस ओबी पहले भी निकाला है हमने कहीं ना हमने ओबी क्रॉस ओ ही निकाला था ना और इसको निकालना आसान है, है आपको ना। भी आपको गिवन है और अगर मैं कैलकुलेट करूंगा उसका मॉड निकालूंगा तो मोड विल कम आउट टू बी नाइन नाइन आ जाता है मेरे हिसाब से ना तल तो नाइन बाई टू आ जाएगा विल कम आउट टू भी नाइन बाई टू नाइन बाई टू आ जाता है ना। था, हमने यहाँ निकाला था बच्चों ना हमने क्रॉस ही निकाला था वहां अभी हम ओ ए क्रॉ भी निकाल रहे हैं तो नाइन आ जाएगा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को निकाला जा सकता है ना। अगर ABC में निकालूंगा तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों आपको ना कैसे निकालेंगे ना उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना तो सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी इसको ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों ने अब ए बी क्रॉस ए सी का मतलब क्या है अगर मैं ए बी वेक्टर को निकालना चाहूं तो ए बी वैक्टर को निकाल सकते हैं ना ए बी वैक्टर का मतलब है बी का पॉजिशन वेक्टर माइनस ए का पॉजिशन वेक्टर सेंस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू पॉजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पॉजिशन वेक्टर ऑफ ए तो देखो बच्चों इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप है ना ओ बी गिवन है आपको ए बी गिवन है ना अगर मैं ए सी वैक्टर की बात करना चाहूँ ए सी वैक्टर कैन बी रिडन एज पॉलिशन वैक्टर ऑफ सी एंड पॉलिशन वैक्टर ऑफ ए और ओ सी एम कैलकुलेट कर चुके थे ना है ना ओ सी एम निकाल चुके थे आपको याद होगा हमने ओ सी को निकालने के बाद ही सवाल स्टार्ट किया था ओ सी वैक्टर कितना आ गया था वन बाई टू ओ बी माइनस ओ ए आ गया था बच्चों मेरे हिसाब से ना तो ओ बी भी गिवन है ओ ए भी गिवन है तो आप ये भी निकाल सकते हैं ना और अगर ये भी ओ भी गिवन है ओ ए गिवन है ओ सी आपने कैलकुलेट कर लिया तो बच्चों सिंपली आप इसको निकाल सकते हैं ना बाई यूजिंग वैक्टर प्रोडक्ट और अगर ये निकालूंगा तो बेसिकली मुझे एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों ना और अगर ये कैलकुलेट करेंगे आप तो कैलकुलेट करने पर ये भी आपके पास कितना आ जाएगा ये भी अगर हम निकाल के देखेंगे तो दिस विल अगेन बी कम आउट टू बी निकाल सकते हैं मैंने बता दिया निकाल कर आपको ना कैसे निकालना है तो आप निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से तो अगेन वो भी नाइन बाई टू आ जाता है मेरे हिसाब से ना वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो नाइन बाई टू आ जाएगा अब हमें डी ऑप्शन के बारे में सोचना है

एक डायग्रन को डी वन बोल सकता हूँ मैं ना और एक डायग्रन को डी टू बोल सकता हूँ ना तो अगर मैं डी वन जैसे मैंने मान लिया ये ओ ए सी है इसको पॉइंट को डी मान लेता हूँ बच्चों में ना तो अगर मैं ओ डी वैक्टर निकालना चाहूंगा तो सिंस ओ डी वैक्टर इज इकल टू ओ ए प्लस ओ सी और ओ ए ओ सी दोनों मेरे पास है तो कोई दिक्कत नहीं है मैं ओडी वैक्टर को निकाल सकता हूँ एक डायगलन और निकाल सकते हैं अगर मैं निकालना चाहूँ मान लो इस डायगलन को निकालू यहाँ पर ना अगर इस डायगलन को निकालना चाहूँ तो इसको निकाल सकते हैं बच्चों पर ना तो कितना आ जाएगा हमारे पास दिस इज ए सी वैक्टर इजिकल टू अगर मैं ए सी वैक्टर को निकालूंगा तो ए सी वैक्टर विल कम आउट टू बी दिस प्लस दिस यानी माइनस ओ ए माइनस ओ एन प्लस ओ सी वैक्टर सही लिखा है मैंने शायद मेरे हिसाब से ना क्योंकि तो दिस ओ ए प्लस ए सी प्लस सी ओ इजिकल टू जीरो बोल सकता हूँ इसको भी लूंगा मैं तो माइनस ओ ए वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर इजिकल टू ए सी वैक्टर माइनस ओ ए प्लस ओ सी इजिकल टू ए सी वैक्टर तो ओ वेक्टर भी मेरे पास है और एसी वेक्टर भी मेरे पास है वही हम जानते हैं उसी के बारे में जानते हैं और अगर मुझे इनके बीच में एंगल निकालना है तो निकाल सकते हैं सीटा एजिकल टू मॉडल ऑफ ऑडी वैक्टर डॉट ए सी वैक्टर अपॉन मॉडल ऑफ ऑडी डॉट ए सी ये निकालना है बच्चों तो यहां से निकाल सकते है, की बात कर रहे हैं हम तो ये एक्यूट एंगल बेसिकली वो एंगल नहीं आता बच्चों पाई वे थ्री नहीं आता मेरे हिसाब से कैलकुलेट करने पर वन बाई रूट फाइव आता है ना अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कॉ सीटा विल कम आउट टू वन बाई रूट फाइव निकाल सकते हैं बच्चों कैलकुलेट तो आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से ओ डी वैक्टर के बारे में लिखा हुआ है ओसी हम पता है ना ए सी वैक्टर के बारे में मुझे पता है ओह हम निकाल सकते हैं ओसी को भी निकाल सकते हैं तो कॉस सीटा विल कम आउट टू बी वन बाई रूट फाइव यानी हमें दिया हुआ था वहाँ पर शायद हमें वहाँ पर दिया हुआ था ऑप्शन डी ऑप्शन में जो हमारे पास था दैट इज इक्वल टू पाई बाई थ्री तो पाई बाई थ्री के लिए वन बाई टू आना चाहिए था ना वन बाई टू नहीं आता बच्चों को ना वो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वन बाई रूट फाइव आ जाता है ना कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे साथ से तो डी इज द रॉन्ग आंसर तो करेक्ट आंसर आर ए बी सी ए बी सी आर द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना पैराबोला से रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पैराबोला का सवाल है आसान है मेरे हिसाब से इसको आसान सवाल होंगी कैटेगरी में काउंट करेंगे बच्चे करके आए होंगे इस सवाल को मेरे हिसाब से तो ई डिनोट द पैराबोला फाइव स्क्वायर टू ए टेक्स हमारे पास है पी इज अ पॉइंट माइनस टू कमा फोर यानी पी माइनस टू कमा फोर से हम टेंजेंट ड्रो कर रहे हैं ना और वो जो टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएंगे वो क्यू एंड क्यू डे आएंगे ना आगे लिखा हुआ सदर पी लाइन पी क्यू एंड पी क्यू जो पॉइंट पी है आएगा, वो क्यू आएगा और दूसरे का जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा वो क्यू आएगा ना एंड एफ बी फोकस ऑफ देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू पता लगाना है ना तो पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों ना Parabola है है और अगर तो हम जानते हैं इस पेबला का जो फोकस है दैट दैट इज इज तो फोकस इस का बच्चों 2, 0 आ गया ना डायग्राम में यही बनाने की कोशिश करता हूँ सवाल आसान है प्रॉपर्टी बेस्ड है सिंपल प्रॉपर्टीज हम जानते भी इन प्रॉपर्टीज के बारे में बताया भी जाता है क्लास में आपको ये पेरावला ड्रो कर लिया बच्चों मैंने में ना। अब हम देख रहे हैं कि अगर पेराबला का जो फोकस हमारे पास है वो टू कमा जीरो पॉइंट हमारे पास है माइनस टू कमाच फोर तो ध्यान से देखो ये जो पॉइंट है क्योंकि इस पैराबला का डायरेक्टिक्स का इक्वेशन क्या होता है एक्स प्लस ए बराबर जीरो तो अगर किसी पॉइंट का एक्स माइनस टू है तो मतलब दैट इज लाइंग ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला तो ये क्लियर है कि जो पॉइंट पी है वो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स पर लाई कर रहा है ना और हम जानते हैं डायरेक्ट्रिक्स से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्डिट आती है दैट इज द फोकल कॉर्ड है ना या हम जानते हैं कि किसी फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स तो ये प्रॉपर्टी जानते हैं फॉर्मूले की तरह याद भी किया होता है आपको ना तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कई पॉइंट पी हमारे पास है दैट इज माइनस टू कमा फोर जो पॉइंट पी हमारे पास है दैट इज माइनस पी कमा फो माइनस टू कमा फोर यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की मैंने एक टेंजेंट हमारे पास ये आएगा बच्चों और एक ऐसा आ जाएगा ना इससे प्रॉपर्टी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है इस पॉइंट को मैं क्यू बोल सकता हूँ एंड दिस इज क्यू डे दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट और इनको अगर मैं फॉर्म करूंगा या ज्वाइन करूंगा तो दे विल पास टू द फोकस ऑफ दिस पैराबोला एंड दैट कमा जीरो तो फर्स्ट तो जो है कहीं ना कहीं पूछा गया हमसे कि पॉइंट सॉरी क्यू ऑन द लाइन ज्वाइनिंग क्यू एंड क्यू तो डी इज द करेक्ट आंसर अब हम बात करते हैं द ट्राइंगल पी एफ क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जो ट्राइंगल पी एफ क्यू है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, right है? ये हमें पता लगाना है ना क्या ट्राइंगल राइट एंगल होगा ना तो देखो ये भी हम जानते हैं ये भी प्रॉपर्टी जो एलिप्स के अंदर भी होती है हाइपरबोला के अंदर भी होती है ना पैराबोला के अंदर भी होती है द पोर्शन ऑफ टेंजेंट द पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द फोकस ये एलिप्स के अंदर भी होता है बच्चों ना हाइपरबोला के अंदर भी आ जाता है पैराबोला के अंदर भी हम लगा सकते हैं मेरी बात समझ में आ गया कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट द स्पीक यू इज द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स ट पोर्शन ऑलवेज सप्टेंस राइट एंगल एट दस बात है राइट right एंगल right तो ट्राइंगल पी एफ क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल अब आते हैं ट्राइंगल क्यू पी क्यू डेज द राइट एंगल ट्राइंगल तो वो तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही सही ना ट्राइंगल क्यू पी क्यू डेष क्योंकि फोकल कोड की अगर मैं एक्सट्रीमिटीज पर बिकॉज दिस इज डायरेक्टर सर्कल अगर मैं यहाँ से टेंजन ड्रो करूंगा तो उनके बीच में एंगल नाइनटी डिग्री का आएगा, आएगा आएगा ना तो ये जो पी पर जो एंगल बनेगा दट इज नाइन्टी डिग्री ये तो बट जो अंडरस्टेड है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आए होगी इसमें आपको ना अब ये डिस्टेंस मुझे निकाल लिया तो डिस्टेंस को निकाल सकता हूँ बच्चों इधर आप डिस्टेंस लगा के देख लो है ना पी पॉइंट हमारे पास है एफ पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया तो डिस्टेंस हमने यूज़ करके निकाल सकते हैं तो डिस्टेंस इज नॉट कमिंग आउट टू बी फाइव रूट टू दर फॉर डी सी इज़ इन करेक्ट द करेक्ट आंसर इज ए बी एंड डी आर करेक्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ना तो कॉम्प्रेंशन है कॉर्डिनेट जोमेटरी पर बेस्ड अच्छा ट्रिकी सवाल है ना थोड़ा कैलकुलेटिव भी है तो क्वेश्चन नंबर सेवन और एट इसी पर बेस्ड है ना क्वेश्चन नंबर सेवन एंड एट दोनों इसी पर बेस्ड है और ये जो पैराबला है वाई स्क्वायर इजिकल टू फोर माइनस एक्स इसकी बाउंड्री और इंटीरियर की बात कर रहे हैं अपन ना इक्वलिटी भी है और लेस देन भी है ना तो पहले पैराबोला का डायग्राम बनाता हूँ मैं ना डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको पैराबोला का वाई स्क्वायर इज फोर माइनस एक्स दिस विल बी फोर कोमा जीरो अब बेसिकली जो रीजन गिवन है मैं उसमें एक तो एक्स नॉन नेगेटिव होगा हमारे पास है ना एक्स नॉन नेगेटिव है मतलब हम वाई एक्स के राइट की बात कर रहे हैं पैराबोला की बाउंड्री ले सकते हैं और पैराबोला के अंदर का पोर्शन ले सकते हैं ना तो बेसिकली हम इस बाउंड्री की बात कर रहे हैं एक्स नॉन नेगेटिव हमारे पास है पैराबोला के अंदर की बात कर रहे हैं या बाउंड्री की बात कर सकते हैं तो बेसिकली इस रीजन की बात कर रहे हैं ना तो ये जो रीजन दिया हुआ है इसको आर से रिप्रेजेंट कर रखा है वो इस रीजन है ना अब आगे लिखा लेट फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स दैट आर कंटेन इन रीजन आर हम उस फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं जो इस रीजन के अंदर कंटेन है यानी इस रीजन के बाहर नहीं आ सकता उस सर्कल का कोई पोर्शन ना हैव सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है एंड सी विद सर्कल दैट इज़ लार्जेस्ट रेडियस यानी इस रीजन में कंटेन करना चाहिए सर्कल इस रीजन के अंदर आना चाहिए सेंटर एक्स एक्सिस पर आना चाहिए और उसके रेडियस क्या होना चाहिए लार्जेस्ट होना चाहिए ना तो रेडियस को लार्जेस्ट करने के लिए इसका मतलब है कि सर्कल जो आएगा जो इस रीजन के अंदर रहने वाला है ना वो पैराबोला को टच करेगा ना और वो जो पॉइंट है आगे ये भी दिया हुआ है लेट अल्फा बीटा एल्फाबीटा द पॉइंट वेयर द सर्कल सी मीट्स द पैराबोला वाई स्क्वायर फोर माइनस एक्स तो बेसिकली जो पॉइंट होगा दिस विल बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टच करेगा तभी वो मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस का आ पाएगा ना तो सिंस पैराबोला की इक्वेशन है तो मैं इस पर एक पॉइंट एज्यूम कर सकता हूँ मैंने एज्यूम कर लिया कि जो पॉइंट हमारे पास है ज अल्फा कोमा बीटा ये मान लिया अल्फा कोमा बीटा इसी पॉइंट को यही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा हमारे पास अब पैरामेट्रिक में कर लेता हूँ ये तो कन्वेंशन का इस्तेमाल करें या फिर मैंने वाई को टी मान लिया यहां पर लेट वाई बराबर टी और अगर वाई टी होगा तो एक्स इजिकल टू फोर माइनस तो इस पैराबोला पर कोई अगर मुझे लेना है तो फोर माइनस टी स्क्स कैन बी टेकन इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन दिस पैराबोला अब हम कह रहे हैं कि भाई सर्कल अगर इस पैराबोला को यहां टच कर रहा है तो मैं पैराबोला के लिए टेंजेंट ड्रो draw कर लेता हूँ एक ना तो ये सर्कल का भी टेंजेंट होगा ना लेकिन हम चाहते हैं भी ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो है लेकिन सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रो करता हूँ अगर मैं यहाँ सर्कल के लिए नॉर्मल ड्रो पी पॉइंट पर अगर पैराबोला का नॉर्मल ड्रो करूँ तो दैट मस्ट पास द सेंटर ऑफ द सर्कल यानी इस नॉर्मल पर ही सर्कल का सेंटर लाई करेगा और ये जानकारी है कि वो एक्स एक्सिस पर भी है ना इस तरह का कोई सर्कल मुझे ड्रो करना पड़ेगा ना और रेस्ट्रिक्शन ये भी कि वो सर्कल इस रीजन के अंदर ही कंटेन करना चाहिए ना

है ना फिर हम सेंटर आने के बाद वो जो रेडियस आएगी उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे ना तो पी पॉइंट पर मैं नॉर्मल लिख देता हूं पहले ना पी पॉइंट पर नॉर्मल नॉर्मल का स्लोप मेरे पास है टू टी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट टी इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी फोर माइनस टी स्क्वायर कोमा टी वाई माइनस वाई वन स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू एक्स माइनस एक्स वन फोर प्लस टी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन माइनस फोर प्लस टी ना और इसमें अगर मैं पुट कर देता हूं, y जीरो, y जीरो, तो वाई बराबर की कोशिश करूंगा तो वी गेट माइनस वन बाई टू प्लस फोर माइनस टी स्क्ट विल कम आउट टू बी सेवन बाई टू माइनस टी सर्कल का सेंटर आने वाला है ना उस सर्कल के सेंटर को मान लो मैंने सी हालांकि सर्कल सी था उस सेंटर का कुछ पॉइंट पी मान लिया मैंने मान लो वो क्यू पॉइंट मान लिया उस सर्कल के सेंटर को तो सेंटर इज सेवन बाई टू माइनस टी स्क्र ठीक है ना सेवन बाई टू माइनस टी स्क्वार आ जाएगा ना अब हम देख रहे हैं हम ये भी चाहते हैं हमें एक तो ये इंश्योर करना है कि उसकी रेडियस मैक्सिमम हो ये भी इंश्योर करना है कि जो सर्कल बनेगा वो उस रीजन के अंदर ही कंटेन करना चाहिए उसके बाहर नहीं निकलना चाहिए ना तो वो कैसे इंश्योर करेंगे देखते हैं ना ये इंश्योर करने के लिए वो सर्कल उस रीजन के अंदर ही रहे हम फैमिली ऑफ सर्कल को लिखते हैं फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द पैराबोला एट पॉइंट पी तो उसके लिए मुझे टेंजेंट की आवश्यकता पड़ेगी ना और टेंजेंट का इक्वेशन बच्चों में यहीं से निकाल सकता हूँ ना ये स्लोप ऑफ इसी पॉइंट पर मुझे टेंजेंट निकालना ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास है तो इक्वेशन ऑफ टेंजन वाई माइनस वाई वन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस वन अपॉन्ट टू टी इंटू एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस फोर प्लस टी स्क्वायर ये ऐसा आ जाएगा ना और ये टेंजेंट निकाल थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करने की कोशिश करूँ या उसकी कोई आवश्यकता नहीं है ना इसको अगर मैं इंटरचेंज कर लूँ वाई माइनस टी प्लस कितना आ जाएगा एक्स अपॉन्ट टू टी

पैराबोला को इस पॉइंट पर टच करने वाले फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन लिख रहे हैं ना तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया लाइन का इक्वेशन गया तो सर्कल को लिखने के लिए सर्कल का यूज कर रहे हैं है तो सर्कल इज एस प्लस जीरोगा तो एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट कितना था हमारे पास फोर माइनस थ्री स्क्वायर था एक्स माइनस एक्स वन

इसका सेंटर एक तो एक्स एक्सिस पर लाई करना चाहिए और ये उस रीजन के अंदर कंटेन भी करना चाहिए ना तो अगर सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो बेसिकली सेंटर का जो वाई कोरेंट है वो जीरो आ जाएगा ना और सेंटर का वाई कोर निकालने का मतलब मुझे एफ निकालना है ना तो एफ इज हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वाई यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा कोफिशिएंट ऑफ वाई अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो कोफिशिएंट ऑफ वाई विल कम आउट टू बी माइनस टू टी एंड प्लस लेमडा एंड मस्ट भी टू जीरो तो डा को अगर मैं टूटी रख दूंगा ना बच्चों तो उससे तो ये कंफर्म हो जाएगा अगर मैं की जगह यहाँ टूटी रख देता हूँ तो उससे ये क्लियरिटी आ जाएगी कि भाई सर्कल का सेंटर जो है वो एक्स पर ही करेगा। सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा उससे क्लियर हो जाएगा ना तो सर्कल का एक माइनस फोर प्लस थ्री स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस होल स्क्वायर 2t 2t t 2 अब हम हैं जो सर्कल आया है इसका सेंटर एक्स एक्सिस पर भी है है ना और वो उस पैराबोला को टच भी कर रहा है ना ये उस रीजन के अंदर रहे जो मैंने डायग्राम बनाया था उस रीजन के अंदर ही लाई करना चाहिए बच्चों सर्कल ये इसके अंदर लाई करना चाहिए इस वाले रीजन में लाई करना चाहिए ना ये मुझे इंश्योर करना है ना तो उसके लिए हम ये इंश्योर कर सकते हैं सेंटर तो निकाल लिया इसका हमने ना 7 बाई 2 था मेरे हिसाब से 7 बाई 2 square, 0। तो उसके लिए ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं सर्कल इसी रीजन में रहे तो ये जो ओरिजिन है ना ये सर्कल के अंदर कभी नहीं आना चाहिए ना यानी ओरिजिन अगर सर्कल की सर्कम फ्रेंस पर लाई करे या सर्कल के बाहर रहना चाहिए ना यानी अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात करूँ ऑफ पॉइंट की तो एसफन जो है यानी अगर मैं ओरिजिन को रखू सर्कल की इक्वेशन में तो एस वन की वैल्यू जीरो आ जाए या पॉजिटिव आ जाए तो एस वन मस्ट भी इक्वल टू जीरो उससे एंश्योर हो जाएगा कि वो ऑरिजन सर, सर्कल के या तो बाहर लाई करेगा या सर्कल की सरकमफ्रेंस पर आ जाएगा ना उससे एंश्योर हो जाएगा कि सर्कल उस रीजन में लाई कर रहा है ना तो अगर मैं ऑरिजिन को रखता हूँ तो ऑरिजिन को रखने पर क्या आएगा बच्चों टी स्क्वायर माइनस फोर टी स्क्वायर माइनस फोर होल स्क्वायर ऑरिजिन को रख रहा हूँ तो वी आर गेटिंग प्लस टी स्क्वायर एक्स को जीरो से रिप्लेस कर रहा हूँ वाई को जीरो से रिप्लेस कर रहा हूँ तो माइनस कितना आएगा बच्चों में माइनस टी स्क्वायर दिस इज माइनस टी स्क्वायर एन माइनस क्या जाएगा हमारे माइनस फोर दिस इज माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई थिंक मैंने सही लिखा है ना तो माइनस टू टी से माइनस टी बाई टू आएगा तो माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट विल बी माइनस फोर ये टी स्क्र से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा या अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूँ तो वी गेट टी स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू एंड टी स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू ग्रेट दिन इक्ल टू जीरो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कंसेप्ट लगा दिया हमने ना और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ <coughs> तो विल गेट टी स्क्स देन टू और टी स्क्स ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ने अब लेकिन देखो टी है वो सिक्स से बड़ा नहीं हो सकता है ना टी स्क्स से बड़ा होगा ना तो जो पॉइंट पी लिया था ना हमने वो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में आएगा नहीं वो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि अगर टी स्क्वायर सिक्स हो गया या सिक्स से बड़ा हो गया तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा ना जबकि हम इसी रीजन की बात कर रहे हैं ना

ये सर्कल की सर्कम्फ्रेंस पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेट भी है ना और हमें अल्फा भी निकालना है और वो मैक्सिम रेडियस भी निकालनी है ना दो काम करने में एक तो रेडियस निकालनी है मैक्म और अल्फा निकाल अल्फा का मतलब फोर माइनस टी स्क् निकालना है ना तो टी डिस्टेंस को निकालू रेडियस को निकालने की कोशिश करूं तो अगर मैं इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ा लगाऊंगा तो रेडियस विल कम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी यानी सेंटर हमारे पास है ये थोड़ा सेवन बाई टू माइनस टी स्क्त जीरो है बच्चों ना वो क्योंकि सेंटर जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना सेंटर ही है हमारे पास अगर मैं डिस्टेंस थोड़ा लगाता हूँ और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे हिसाब से ये आता है हमारे पास वन बाई फोर एन प्लस टी स्क्वायर आ जाता है बच्चों ये वन बाई फोर प्लस टी स्क्वायर अगर मैं डिस्टेंस थोड़ा लगा के कैलकुलेट करूंगा तो ना तो ध्यान से देखें इस रेडियस को मैक्सिमाइज करना है अब देखो ये मैक्सिमम कब होगा जब टी स्क्र मैक्सम हो जाए ना तो टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है। ये तो रिजेक्ट कर चुके हैं नाम हम तो टी स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है टू हो सकता है ना तो टी स्क्र को अगर मैं टू रखूंगा तो मुझे आर की मैक्म वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से ना एंड द वैल्यू ऑफ आर विल बी एट टी स्क्वायर बराबर टू और अगर मैं टी रखूंगा तो दिस विल बिकम थ्री बाई टू तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस अब थ्री बाई टू लिखे या वन पॉइंट फाइव जीरो लिखे ना एक ही बात है ना तो एक तो वो मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस मिल गया बच्चों में वन पॉइंट फाइव जीरो ना अब उसके बाद हमें निकालना है वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था अल्फा बीटा उसको कैलकुलेट करना है तो यही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट था हमारे पास अल्फा माँ बीटा ना इसको निकालने का मतलब अल्फा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का जहां जहाँ सर्कल उसको पैराबोला को मीट कर रहा था ना बट व्हाट इज टी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर टू है तभी मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस आया और अगर मैं टी स्क्वायर को टू लूंगा तो पॉइंट विल बिकम टू कमा रूट टू एंड देर फॉर आउट टू बी टू वैल्यू ऑफ अल्फा जो टू आ जाएगी ना तो ये तो क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर हो गया बच्चों ना और ये क्वेश्चन नंबर एट का आंसर हो गया ना आई थिंक समझ में आया हुआ आपको ना थोड़ा ट्रिकी था थोड़ा कैलकुलेटिव भी था लेकिन थोड़ा एफर्ट करने के बाद आंसर निकाल पाया अपने ना नेक्स्ट वॉलम पर आते हैं नेक्स्ट फॉर्ड पर आते हैं बच्चों अगेन ये भी येवनिस थर्म से रिलेटेड है मैक्सवें का कंसर्ट भी यूज होगा यहाँ पर तो अगेन दो क्वेश्चन बेस्ड हैं इस पर क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन एफ वन एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन के बारे में जानकारी है कोडोमेन के बारे में जानकारी है फंक्शन दिया हुआ है अपने को ना कंटिनियन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पर और एक एफ टू फंक्शन दिया हुआ है एफ टू एक्स और लिखा हुआ है वेर द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड रियल नंबर एवन ए टू ए थ्री ये प्रोडक्ट के बारे में डिफाइन कर रखा है एम आई एम आई एंड एन आई नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ आई यानी अगर मैं एम वन एन वन की बात करूंगा तो वो एफ वन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे और अगर मैं एम टू एन टू की बात करूंगा तो वो एफ टू के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना बेसिकली जो एम आई है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा के जो पॉइंट आएंगे

ये एक बार मैं फंक्शन और लिखता हूं ना आपके सामने एफ वन एक्स इज टू था जीरो से एक्स कंटिन्यूट प्रोडक्ट फ्रॉम जे इजल टू वन टू ट्वेंटी वन एंड दैट इज टी माइनस जे होल पावर जे डी टी आई थिंक मेरे हिसाब से ये था ना टी माइनस जे होल पावर जे डी टी अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना फंक्शन एक्स का ही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो जहां भी टी होगा मैं अपर लिमिट लिखूंगा देन डेरीवेटिव अपर लिमिट तो सिंपली डिफ्रेंशिएट करना बड़ा आसान है एफ डे एफ वन डेस एक्स इजिकल टू दैट विल कम आउट टू बी कंटिन्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम जे इजिकल टू वन टू ट्वेंटी को रिप्लेस कर रहा हूं मैं अपर लिमिट से डेरीवेटिव अपर लिमिट इज वन माइनस टी को रिप्लेस करूंगा लोअर लिमिट से डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज जीरो तो ये डेरिवेटिव आ गया बच्चों हमारे पास है ना इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो देखो ऐसे लिखा हुआ एक्स वन एक्स माइनस वन होल पावर वन एक्स माइनस टू होल पावर टू एक्स माइनस थ्री होल पावर थ्री एंड लाइक वाइज अगर आगे तक लिखूं मैं तो एक्स माइनस ट्वेंटी होल पावर ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी वन होल पावर ट्वेंटी वन ये आ गया बच्चों फंक्शन तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं हम जानते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे हमारे पास जहाँ डायरेटिव जीरो आ रहा है ना तो डेरिवेटिव हमारे पास 21 पॉइंट पर जीरो आ रहा है वन पर जीरो आएगा फिर टू पर भी जीरो आएगा फिर थ्री पर भी जीरो आएगा ना लेकिन ध्यान से देखो आप जिनके क्रिटिकल पॉइंट इवन है ना उनकी पावर हमारे पास इवन है तो ये टू जो जो क्रिटिकल पॉइंट इवन आ रहे हैं टू फोर सिक्स इनके नेबरहुड में डायरेक्टिव अपना साइन चेंज नहीं करेगा ना जबकि हम मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट में इंटरेस्टेड है ना तो हम उन्हीं पॉइंट में इंटरेस्टेड है डायरेक्टिव अपना साइन चेंज करेगा और वो कौन सा पॉइंट है ऑड पॉइंट हमारे पास है ना एक्स फिजिकल टू वन हो गया एक्स फिजिकल टू थ्री हो गया एक्स इजिकल टू फाइव हो गया एक्स फिजिकल टू सेवन हो जाएगा एक्स एजिकल टू नाइन हो जाएगा एक्स सेवनटीन पर आ जाएंगे नाइनटीन पर आ जाएंगे एंड ट्वेंटी वन पर आ जाएंगे ना इन पर डायरेक्टिव अपना साइन चेंज करेगा ना अब हम जानते हैं डेरिवेटिव अपना साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज कर रहा है तो मिनिमम आ जाता है ना और पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज करेगा तो मैक्सम आ जाएगा ना तो ध्यान से देखें अगर मैं वन से बड़ा कोई नंबर रखूंगा ना वन से छोटा अगर मैं रखूंगा तो जैसे यहाँ ट्वेंटी वन से स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट ट्वेंटी वन यहाँ पॉजिटिव आएगा फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा ना फिर ये इसका अगेन यहाँ पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा ना और अगर मैं वन से बड़ा नंबर रखता हूँ ना तो वन से बड़ा नंबर रखने पर जिनमें भी पावर इवन है वो तो हमारे पास सब पॉजिटिव आएंगे सही ना लेकिन टर्म्स हम ट्वेंटी वन हमारे पास है फर्स्ट टर्म ऑड है लास्ट टर्म भी ट्वेंटी वन है ऑड है ना तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे ना बच्चों हमारे पास वो इलेवन आएंगे ना और जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी दैट विल आएंगे टेन आएंगे हमारे पास है ना तो अगर मैं वन से बड़ा नंबर लिखूंगा तो जितने भी ऑड वाले हमारे पास हैं ऑड वाले ये तो पॉजिटिव आ जाएगा उसके अलावा बाकी जो दस बचेंगे वो सब नेगेटिव आएंगे ना वो सब नेगेटिव आएंगे लेकिन दस के दस नेगेटिव आएंगे मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा और अगर वन से छोटा नंबर लिखूंगा तो बेसिकली जो है वो ग्यारह के नेगेटिव आ जाएंगे तो यह माइनस से मुझे यहां पर थ्री के, के नेबरहुड में बात करेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा अगेन माइनस प्लस आएगा फिर प्लस माइनस आएगा इस तरह चलता रहेगा बच्चों ना। तो हम ध्यान से देखें कि लोकल मिनिमा का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन है तो पहले एक्स बराबर वन पर क्या आ रहा है एक्स बराबर वन पर लोकल मिनिमा आएगा और एन वन का मतलब नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर द फंक्शन एफ वन एक्स तो एक्स बराबर उन पर लोकल मिनिमा आएगा एक्स बराबर तीन पर बच्चों क्या आ जाएगा मैक्म आ जाएगा और मैक्सिम मिनिमा अल्टरनेट आ रहा है देखो पहले मिनिमा आएगा फिर प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्म आ जाएगा फिर मिनिमा आ जाएगा ना तो या मिनिमा आ गया या मैक्सिम आ गया फिर फाइव पर मैक् मिनिमा आ जाएगा सेवन पर मैक्सिम आ जाएगा फिर या नाइन आ जाएगा फिर या एलेवन आ जाएगा फिर थर्टीन फिर फिफ्टीन फिर सेवनटीन नाइनटीन एंड देन तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन एफ इज सिक्स तो एम वन इजिकल टू सिक्स एंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा फॉर द फंक्शन एफ एक्सिसन इजल तो सिक्स पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और जो है तो क्वेश्चन नंबर जो है हम नाइन का आंसर दे सकते हैं बच्चों से ना क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर निकाला जा सकता है ना इन में पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर निकाला जा सकता है ना क्योंकि तो एम वन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे हमारे पास पास बराबर आ आ गया गया और टू बस अगर आप रखेंगे तो वी गेट फिफ्टी सेवन इज द करेक्ट आंसर तो वैल्यू आ जाएगी फिफ्टी सेवन अब यही काम हमें जो लोकल मैक्सिम लोकल मिनिमा के जो पॉइंट है ये हमें फंक्शन एफ टू एक्स के लिए निकालना है ना तो एफ टू एक्स तो सिंपल क्या है? एक पोलिनमल फंक्शन हमारे पास है अगर हम ध्यान से देखें तो जो एफ टू एक्स फंक्शन आ रहा है हमारे पास ये सिंपल एक पोल फंक्शन है ना तो यही अपन इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना और डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत भी नहीं आई होगी आपको शायद है ना इसमें एक शायद मेरे हिसाब से लोकल मैक्सिमा का या लोकल मिनिमा का पॉइंट आ जाएगा ना तो यही अगर मैं डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ बच्चों उसको दैट इज एफ टू एक्स इजिकल टू एफ टू डेश एक्स डिफ्रेंशिएट करने पर पावर को आगे ले लो आप नाइनटी एट इंटू फिफ्टी एंड दैट इज एक्स माइनस वन होल पावर फोर्टी नाइन एंड प्लस इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो माइनस साइन है हमारे पास है ना माइनस सिक्स हंड्रेड माइनस सिक्स हंड्रेड इंटू फोर्टी नाइन एक्स माइनस वन होल पावर फोर्टी एट और उसको डिफ्रेंशिएट करने पर वो जीरो आ जाएगा ना तो कुछ मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा ना मैं कांस्टेंट टर्म की भी बात कर लूंगा ना तो एक तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से ना तो कॉमन एक तो फोर्टी नाइन ले सकता हूँ मैं और एक फिफ्टी कॉमन ले सकता हूँ ना ये तो कॉमन ले सकता हूँ और एक एक्स माइनस वन होल पावर फोर्टी एट तो फिफ्टी कॉमन ले लिया फोर्टी नाइन कॉमन ले लिया वट वी गेट टू इंटू एक्स माइनस वन टू इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा ये मैं पूरा कॉमन ले चुका बच्चों ना और फिफ्टी अगर मैंने कॉमन लिया है तो मेरे हिसाब से आई थिंक यहाँ से ट्वेल आ जाएगा दिस विल बी टूवेल तो अगर अब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो ध्यान से अगर हम देखें तो इसको सिम्पलीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ मैं ना यहाँ से अगर मैं टू कॉमन ले सकता हूँ टू एक्स माइनस फोर्टीन आ रहा है दिल भी एक्स माइनस सेवन अगर मैं टू बाहर ले लूँगा तो है ना कॉमन सही लिया है शायद मैंने हालांकि न्यूमेरिकल की से फ़र्क पड़ेगा नहीं इतना बस ये करेक्टली लिखा हुआ होना चाहिए ना तो 50 मैंने कॉमन लिया है 49 नाइन मैंने बाहर लिया है तो टू बचेगा यहाँ टू इंटू एक्स माइनस वन फोर्टी नाइन में बाहर ले चुका एंड दैट इज़ 50 में बाहर ले चुका तो उससे आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा ना तो देट विल बी 49, नाइन देट विल बी 49 नाइन इंटू फिफ्टी फोर्टी नाइन इंटू फिफ्टी इंटू टू यानी हंड्रेड इंटू फोर्टी नाइन आ जाएगा ना हालांकि उस कॉन्सटेंट वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अभी पर ना तो एफ टू एक्स इजिकल टू फोर्टी नाइन बाहर था फिफ्टी बाहर था फिर वो टू भी मैंने बच्चों बाहर निकाल लिया वहां से ना और वो आ गया एक्स माइनस वन होल पावर फोटी एट और टू बाहर निकालने के बाद कितना आ गया वहां से एक्स माइनस सेवन आ गया आई थिंक है ना एक्स माइनस सेवन तो जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो दो आएंगे अगेन एक तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वन और एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा सेवन सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट सेवन है तो पॉजिटिव आ जाएगा फिर नेगेटिव आ जाएगा फिर पॉजिटिव आ जाएगा देखो मैक्सम आएगा हमारे पास है ना नहीं यहाँ तो साइन चेंज होगा नहीं क्योंकि इवन डिग्री का है ना तो वहाँ साइन चेंज होगा नहीं बच्चों है ना तो यह नेगेटिव आ जाएगा ना यानी वन पर ना मैक्सम आएगा ना मिनिमा आएगा ना लेकिन सेवन पर क्या आ रहा है मिनिमा आ रहा है ना और मिनिमा के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं है? एम यूज़ कर रहे हैं ना तो एम टू नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा फॉर द फंक्शन एफ टू एक्स इजिकल टू वन मिनिमा की काउंटिंग ही आ गई एंड देर इज नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तो एन टू बराबर जीरो आ जाएगा बच्चों तो ये बस क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हमारे पास वो वन के बराबर आ गया और वो जीरो के बराबर आ गया तो सिंस एम टू इजिकल टू वन एम टू इजिकल टू वन एंड एन टू इक्वल टू जीरो तो जिससे अगर मैं रखूँगा तो एन टू के कारण ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा एम टू क्यूलीवन है द करेक्ट आंसर कम आउट टू सिक्स तो सिक्स इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना क्वेश्चन नंबर एलेवन ट्वेल्व अगेन कॉम्परेंशन है क्वेश्चन स्टैम नया वर्ड यूज़ किया है उन्होंने कॉम्परेंशन की जगह है ना एक साथ दो क्वेश्चन दिए ना उसको बोल रहे हैं क्वेश्चन स्टैम तो एलेवन टवेल्व की बात करते हैं बच्चों ना <laughs> इसको मैं ईजी की कैटेगरी में मानूंगा ना ईजी क्वेश्चन की कैटेगरी में काउंट करूँगा आपको ना मतलब होता है ना बस सवाल आया लपक लिया एकदम हमने और हमारे नंबर आ गया ना तो इस तरह का सवाल था है ना तो इसमें हमें दिया हुआ है अगेन जीवन एक तो जी फंक्शन दे रखा है जी फंक्शन का यूज़ किया SI हुआ है और ऐसा ही बोल रखा है यानी अगर मैं एस वन निकालूंगा कहीं क्वेश्चन से मुझे मालूम पड़ रहा है मुझे एक तो एस वन निकालना पड़ेगा और एक मुझे एस टू निकालना पड़ेगा तो उन्होंने एस SI आई वर्ड यूज़ कर रखा है ना आई को वन रखूंगा तो एस वन आ जाएगा और आई को टू रखूंगा तो कहीं ना कहीं एस टू के बारे में सोच पाऊंगा मैं ना तो हमने फंक्शन देखा ही है ना

तो उस प्रॉपर्टी नंबर पांच का इस्तेमाल करते हैं वैसे कोई दिक्कत है एनकाउंटर सामने नहीं आ रही हमारे को सामने कोई दिक्कत नहीं आ रही हम चाहे तो सिंपल इंटीग्रेशन प्रोसेस लगा के भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको ना लेकिन प्रॉपर्टी नंबर पांच लगाते हैं इसमें ना यानी वी आर रिप्लेसिंग एक्स बाय ए प्लस बी दैट इज पाई बाय टू माइनस एक्स अच्छा वैल्यू आ गया वो ए प्लस बी अच्छा वैल्यू आ गया पाई बाय टू माइनस एक्स इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर वन और अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ ए प्लस बी माइनस एक्स यानी पाई बाय टू माइनस एक्स है तो एस वन विल बिकम देखो एस वन क्या हो जाएगा एस वन विल बिकम पाई बाई एट से लेकर थ्री पाई बाई एट तो ये पाई बाई एट से थ्री बाई एट आ जाएगा ना और अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ पाई बाई टू माइनस एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दिस इज इक्वेशन नंबर टू एस वन निकालने दोनों को ऐड कर दो तो, आप एडवांटेज नजर आया आपने को दोनों को ऐड कर दिया अब ध्यान से देखो जैसे दोनों को मैं ऐड करूंगा ना बच्चों तो दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो वी गेट टू एस वन इजिकल टू अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो वी गेट टू एस वन इजिकल टू

दैट इज एस वन 8 आए तो जो मैं निकालना है उसको निकाल सकते हैं ना दैट इजीन एस वन अपॉन पाए इसको निकाला जा सकता है बच्चों ना? तो 16 upon pi, और वो कितना इसकी जो वैल्यू आ गई टू तो आ गई बच्चों आसान सवाल था मेरे हिसाब से ना अब एस टू पर आते हैं मेरे ना तो एस टू कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया हुआ है देखो आप सिंस एस टू को निकालने के लिए आई को टू रखना पड़ेगा मुझे लिमिट तो सेम है पाई एट से लेकर थ्री पाई बाईट पाए एंड एफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स तो ऐसे हम एस टू को निकालने के बारे में सोच रहे हैं ना एस टू को निकालने के लिए आई को टू से रिप्लेस कर दिया मैंने ना अब इसको इंडिकेट करना पड़ेगा ना ठीक है तो वही इसको अलग अलग पहले मोड को डिफाइन करो आप ना क्रिटिकल पॉइंट ले लो आप है ना ये पाई बाई एट थ्री पाई बाई एट है ना ये ऐसा कर सकते हैं अगेन प्रॉपर्टी नंबर पाँच लगाते हैं अपन इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर वन अगेन और अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर पाँच लगाऊंगा तो मीनस वी आर रिप्लेसिंग एक्स पाए पाई बाई टू माइनस एक्स बिकॉज ए प्लस बी इज पाई बाई टू एंड वी आर रिप्लेसिंग एक्स पाए ए प्लस बी माइनस एक्स तो अगर मैं एक्स को पाई बाई टू माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो देखो ये कितना आ जाएगा फोर एक्स माइनस पाई को अगर मैं रख के देखूंगा ना तो ये चेंज नहीं होगा मेरे हिसाब से है ना फोर की जगह फोर आ गया

एंड दैट विल बिकम ये तो वन हो जाएगा ना और हो जाएगा मॉडल ऑफ फोर एक्स माइनस फाइव बट अब इसके बाद नहीं बताऊंगा बच्चों में <coughs> हम या तो क्रिटिकल पॉइंट ले लें और क्रिटिकल पॉइंट लेके जो है आगे हम कैलकुलेट कर लें वर हम जानते हैं जब जब भी हम डेफिनेट है ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है जब जब भी हम एरिया निकालने की अपॉर्चुनिटी मिलती है अपन तो डेफिनेट मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की जगह वी कैलकुलेट जोमेट्रिकली तो बस इसको जोमेट्रिकली निकाल सकते हैं अपन है अपने ना मैं डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको ना और उससे फिर हम एस निकाल सकते हैं और बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा जो आंसर हमने दिया है वो करेक्ट आएगा ना तो टू एस टू इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे डायग्राम बना लेंगे बच्चों देखो आप मॉडल्स ऑफ फोर एक्स माइनस फाई का डायग्राम बना लिया फोर पाई क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा हम पाई बाई टू तक बना लेते हैं इसको ना तो अगर मैं जीरो रखूंगा ना आप इसका डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों में वाई इजिकल टू मॉडल ऑफ़ फोर एक्स माइनस फाइव ताकि ट्राइंगल वगैरह बनेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे अपन तो एक्स बराबर जीरो लिखूंगा तो कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा और अगर मैं 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 बाई टू लिखूंगा तो वापस पाई आ जाएगा ना क्योंकि पाई बाई फोर के अबाउट सिमेट्रिक है ना तो डायग्राम बनेगा इसका ऐसा ना अब पाई बाई एट से पाई बाय एट यहाँ आएगा

डबल कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और उससे वेरेस्ट तो आ जाएगा निकाल सकते हैं बच्चों मेरे हिसाब से ना जैसे इस ट्रा का एरिया निकालना चाहें तो वन बाई टू बेस बेस कितना आ जाएगा पाई बाई फोर माइनस पाई बाई एट पाई बाई फोर माइनस फाइव बाई एट इस कितना आ जाएगा बच्चों पाई बाई एट ही आ जाएगा मेरे हिसाब से ना पाई बाई फोर माइनस फाइव बाई एट और वाडी हाइट अगर मैं पाई बाई एट रखता हूँ तो पाई बाई एट पर कितना जाएगा? तो आ जाएगा पाई बाय एट रखूंगा तो पाई बाई टू आएगा तो पाई बाई टू आ जाएगा मेरे हिसाब से ना अगर मैं एक्स को रखता हूँ पाई बाई एट तो पाई बाई एट रखने पर आएगा हमारे पास पाई बाई टू माइनस पाई दैट इज माइनस पाई बाई टू इंस पाई बाई टू आ जाएगा ये एक ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ बच्चों में ना तो वन बाई टू की जगह वन बाई टू आया पाई बाई टू की जगह पाई बाई टू है एंड दैट इज टू पाई बाई एट दैट इज पाई बाई एट तो दैट विल बी पाई स्क्वायर अपॉन थर्टी टू पाई स्क्वायर अपॉन थर्टी टू तो ये एक सिंगल ट्राइंगल का एरिया आया बच्चों ना बस इसका डबल कर देंगे अपन ना तो इसका डबल करने पर क्या आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास है ना यानी टू एस टू विल कम आउट टू बी पाई स्क्वायर बाई स इसका डबल करेंगे ना बच्चों एक ट्राइंगल कह एरिया है ना दर फोर टू एस टू मना कर रहा था बताने के लिए मैंने बता दिया वापस आपको ना इसका डबल करना है हमें तो डबल करने पर क्या आएगा पाई स्क्वायर अपॉन स्क्र फॉर द वैल्यू ऑफ विल अपॉइंट थर्टी टू तो जो एस टू आएगा बच्चों हमारे पास जो एस टू आ जाएगा वो पाई स्क्वायर अपॉन थर्ट आ जाएगा सिंस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन उसको रख देंगे अपने यहाँ और कैलकुलेट कर लेंगे ना तो आंसर आ जाएगा आंसर हमने लिखा हुआ है आपके ना तो मेरे हिसाब से ये अच्छा इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में थे पेपर में छाटने बड़े सवाल आसान कौन से थे ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना एम एक्स सेट दे रखा है ना एंड दिस एम इज कंटेनिंग द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन और इन साइड द सर्कल सेंटर जीरो जीरो है इस सर्कल की सर्कम पर और अंदर लाई करने वाले पॉइंट का सेट दिया हुआ है ना आर पॉजिटिव है मतलब रेडियस ही दे रखा है मैं ना कंसिडर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एन टर्म दिया हुआ है मैं ए इन इजिकल टू वन बाई टू होल पावर इन माइनस वन एन इजल टू वन टू थ्री फोर है एस जीरो की वैल्यू जीरो दे रखी है मैं एस जीरोल टू जीरो और अगर आपको एस वन वगैरह निकालना हो, तो एस एन फॉर एन गन के बराबर बढ़ाया तो एस एन इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ दिस प्रोग्रेशन मतलब उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सर्कल विद सेंटर एस एन माइनस वन जीरो एन रेडियस इजिकल टू एन यानी सी एन सर्कल हमारे पास है एक जनरल सर्कल दे रखा है उसका सेंटर है सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडस ए एन तो सी एन को लिख लेता हूं एक बार से एक बार सी एन के बारे में पूछा गया एक बार डी एन के बारे में पूछा गया तो सेंटर जो है इस सर्कल का जो सेंटर हमारे पास आएगा दस एन माइनस वन कोमा जीरो और जिसका रेडियस है मुझे सी वन सर्कल का सेंटर निकालना होगा तो एन बराबर 1 रख सी टू का निकालना होगा तो एन बराबर टू रख दूंगा ना। करना क्या है पता लगा लेते हैं पहले हम क्वेश्चन पढ़ करना तो उसमें लिखा हुआ है भाई हमने एम को मान लिया वो जो सर्कल का जो रीजन दिया हुआ था हमें एक जो बाउंड्री और इनसाइड सर्कल के अंदर था उसका रेडियस मान लिया वन जीरो टू फाइव अपॉन फाइव वन थ्री एंड के बी द नंबर ऑफ दो सर्कल सी एन दर इन साइड एम यानी वो जो सर्कल और सर्कल की बाउंड्री के अंदर का जो रीजन दे रखा है उसमें कितने सर्कल स्क्राइब कर सकते हैं सीएन जैसे सर्कल कितने सर्कल हो सकते हैं काउंटिंग में जो उसके अंदर आ सकते हैं ना उस रीजन के अंदर ना पहले हम सी की बात करते हैं के कैलकुलेट करने के बारे में सोचते हैं फिर एल के बारे में आएंगे ना तो हम देखें ध्यान से और डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ मैं ना हमें जो सर्कल दिया हुआ है उसमें आर बराबर ही दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिजिकल टू वन जीरो फाइव वन जीरो टू फाइव अपॉन फाइव वन थ्री ये गिवन है ना सर्कल के बारे में दिया हुआ है ना स्क्वायर होल तो हम इस सर्कल की बाउंड्री और उसके अंदर की बात कर रहे हैं ना और उसमें सर्कल बना रहे हैं बहुत सारे हम सी एन सर्कल बना रहे हैं इन वे में सी वन सी टू सी थ्री हमें उन सर्कल की काउंटिंग पता लगानी है कितने सर्कल ऐसे हैं जो इस सर्कल की बाउंड्री के अंदर टच कर सकते हैं या उसके अंदर है उनको काउंट करना है को तो उसके लिए देखो अगर मैं सीवन सर्कल की बात करूंगा अगर मैं सीवन सर्कल की बात करूंगा उसका सेंटर क्या होगा उसका सेंटर आएगा हमारे पास एस जीरो जीरो और उसका रेडियस आएगा हमारे पास ए वन आ जाएगा रेडियस ए वन सीवन सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा रेडियस उसका ए वन आएगा ना ना व्हाट इज एस जीरो एस जीरो के बारे में दिया हुआ है कि वो जीरो जीरो है ना देट इज जीरो कोमा जीरो और वाडी ए वन ए वन इजिकल टू वन सी वन सर्कल का सेंटर आ गया उसका रेडियस आ गया हमारे पास वैसे अगर हम सी टू सर्कल की बात करेंगे तो एन बराबर टू रख दो आप उससे आ जाएगा एस वन कोमा जीरो और अगर मैं एस वन की बात करना चाहूँ तो वाडी एस वन एस वन इज फर्स्ट वन टर्म ऑफ द जी पी दिस जी पी और अगर मैं इसका फर्स्ट सम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों वन आ जाएगा वन तो सेंटर तो आ गया वन कोमा जीरो लेकिन रेडियस कितना आ गया ए टू मतलब कितना हो गया है ए टू इजिकल टू हमारे पास आ गया हाफ टू इजल टू हाफ ये तो सेंटर आया ना सेंटर के लिए मैं एस का यूज कर रहे हैं और रेडियस निकालने के लिए ए का यूज कर रहे हैं ना ऐसे अगर मैं सर्कल सी थ्री की बात करूंगा ना सर्कल सी थ्री की बात करूंगा तो उसका सेंटर कितना क्या होगा टूट इज थ्री बाई टू एस टू कमा जीरो बोल सकता हूं थ्री बाई टू कमा जीरो और वाडी रेडियस ए थ्री एन ए थ्री इजल टू वन बाई फोर ए थ्री इजल टू वन बाई फोर लाइक वाइज और भी सर्कल निकाल सकता हूँ जैसे मैं सी फोर सर्कल निकालूंगा ना

के अंदर लाई कर रहे हैं जो इस सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं ये पता लगा ना, ना जो इस सर्कल के अंदर ड्रो करके देखते हैं ना वो डायग्राम बना के दिखाता हूँ जो सर्कल हमारे पास था वो इस तरह का था ना ये इस तरह का डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको ये सर्कल दिया हुआ है जो ये इस तरह से ड्रो कर लिया मैंने इसका रेडस हमें दे रखा है ना अब जैसे सीवन सर्कल की बात करें तो उसका सेंटर क्या है जीरो कमा जीरो है रेडस कितना है उसका वन यूनिट है ना ये तो हमारे पास रेडस है वन जीरो तो रेडस का स्क्वायर लिखा हुआ ना रेडस तो हमारे पास ये है ना वन जीरो टू फाइव अपॉन फाइव वन थ्री आ रही दे रखा है ना तो ये डिस्टेंस जो है हमारे पास फाइव वन जीरो अपॉन फाइव वन थ्री है ना अगर हम सर्कल फर्स्ट सीवन सर्कल की बात करें तो उसका सेंटर जीरो कमा जीरो है और उसका रेडियस कितना है बच्चों वन यूनिट के बराबर है ना ये मैंने एक सर्कल रो कर लिया ना सेंटर जीरो कमा रेडियस वन यूनिट के बराबर है ना सर्कल जो सी टू हमारे पास है उसका सेंटर वन को मा है और उसका रेडियस है वन बाई टू तो सेंटर वन कोमा जीरो सेंटर मतलब यहाँ आ गया इस जगह ना लेकिन रेडियस कितना है वन बाई टू ये कट करेगा इसको ना ये सी टू सर्कल हो यह सी वन सर्कल हो गया ये सी टू सर्कल हो गया ना अब हम सी थ्री सर्कल की बात करेंगे तो बेसिकली उसका सेंटर आ रहा है थ्री बाई टू ये तो वन था ये वन कमा जीरो था रेडस इसकी हाफ थी तो वन प्लस हाफ कितना हो गया थ्री बाई टू यानी जो सेंटर आ रहे हैं वो बाउंड्री पर आ रहे हैं सरकम फ्रेंस पर यह थ्री बाई टू को जीरो आ गया इसका रेडस कितना आ गया वन बाई फोर आ गया ना ये तो वन बाई टू है हमारे पास लेकिन रेडस वन बाई फोर ही है ना तो छोटा वाला आ गया अपने पास है ना ये थर्ड नंबर का सर्कल आ गया ना तो हमने मान लिया भाई इस तरह के के सर्कल्स आएंगे ना इस गिवन सर्कल के अंदर इस तरह के के सर्कल्स आएंगे ना और अगर के सर्कल्स आएंगे हमारे पास तो हम देख रहे हैं उनकी जो ये हमारे पास अगर के सर्कल आएंगे तो हमें ये इंश्योर करना है कि भाई वो जो समय ये डिस्टेंस अगर हम निकाल के देखें तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी अगर मैं एक सर्कल की बात करता तो ये डिस्टेंस आती है हमारे पास वन यूनिट अगर मैं दो सर्कल की बात कर रहा हूँ तो वन प्लस हाफ़ आ रहा है ना फिर ये हाफ़ के बाद ये वन बाई फोर आ गया ना तो हमें ये इंश्योर करना है कि वो जो डिस्टेंस आ रही है पूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ रही है ये जो डिस्टेंस हमारे पास आने वाली है दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू वन जीरो टू फाइव ओपन फाइव वन थ्री और अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालना चाहूँ जैसे मैंने यहां से तक का डिस्टेंस निकाला हमने मान लिया के सर्कल आ रहे हैं ऐसे ना फर्स्ट सर्कल में वन ही आता सेकंड सर्कल में वन प्लस हाफ आ जाता है ना थर्ड वाले में वन प्लस हाफ प्लस वन बाई फोर आ जाता है ना ऐसे अगर मैं के सर्कल ले लू ना तो फर्स्ट वाले में टू रेस्ट पावर जीरो है नीचे सेकंड वाले में टू रेस्ट पावर वन है थर्ड वाले में टू रेस्ट पावर टू है अगर मैं के सर्कल आकर एज्यूम करके चल रहा हूँ देट इज टू रेस्ट पावर के माइनस वन और ये जो सम आने वाला है ना ये समझ में आ गया हो बच्चों अच्छा मेरे हिसाब से ना जैसे मान लो सर्कल दो ही होते हैं हमारे पास तो बेसिकली ये एरिया कितना ये लेंथ कितनी आ जाती है हमारे पास वन

तो इसमें आ जाएगा टू इन टु अगर मैं सब निकालने की कोशिश करूंगा पावर के, कि के कितना हो सकता निकालना है ऑल पॉसिबल सर्कल्स निकालने मतलब के की मैक्स वाले है एक तरह तो. तो से मुझे देखा जाए तो सिंपलीफाई करता हूँ टू से डिवाइड कर लो आप तो टू से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 1 -1

टेन सर्च सर्कल हो सकते हैं ना दस सर्कल मैक्सिमम आ सकते हैं ऑल पॉसिबल दस सर्कल जो इस सर्कल की बाउंड्री के अंदर लाई कर सके अपने पास है ना तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है बच्चों के, 10. अब के, 10 के ना तो के तो हमारे पास आएगी है ना अब बेसिकली एल कैलकुलेट करने के बारे में सोचना है अपने को ना इज द मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स अमंग सर्कल्स ये दस सर्कल जो आए हैं इनमें मैक्सिमम पॉसिबल सर्कल निकालने हैं इंटरसेक्ट, no भाई इनमें से दस में से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ सर्कल हो सकते हैं कि अगर मैं कोई दो सर्कल लूँ उनमें से कोई भी दो सर्कल तो वो कट नहीं करे ना तो ध्यान से देखो दस सर्कल इस तरह से बना रखे ना ये फर्स्ट सर्कल है सेकंड सर्कल है थर्ड सर्कल है आगे भी सर्कल बनेंगे तो देखो जो भी कंजेगेटिव अगर बन लेंगे ना तो कंजेगेटिव तो बेसिकली क्या है वो कट करेंगे करेंगे हम चाहते हैं भाई वो इंटरसेकट नहीं करें नो टू सर्कल इंटरसेक्ट तो इन दस में से मैक्म कितने पॉसिबल सर्कल हो सकते हैं कि उनमें से अगर मैं दो लू तो वो कट नहीं करें ना तो बेसिकली अल्टरनेट होंगे देखो आप अल्टरनेट का मतलब अगर मैं इनमें से कोई भी ये, अगर ये पांच सर्कल हैं इनमें से कोई भी दो लू मेरी बात समझ रहे हैं आप अगर मैं चाहता हूं कट नहीं करें तो ऑड नंबर ऑफ सर्कल ले लो फर्स्ट सर्कल को ले लो थर्ड को ले लो फाइव को, को ले लो सेवन को ले लो नाइन को ले लो ये मैक्सिमम पॉसिबल पांच सर्कल हैं इनमें से अगर मैं कोई भी दो सर्कल लूंगा तो वो कट नहीं करेंगे ना जरूरी ऑड वाले में से ले वाले में से ले सकते हैं अपन या तो सेकंड नंबर का सर्कल ले लो फोर्थ नंबर का ले लो सिक्स का ले लो एट का ले लो टेन का ले लो ये भी पांच सर्कल ऐसे पॉसिबल है इनमें से कोई भी दो सर्कल अगर लूँगा तो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे ना तो बेसिकली जो एल की जो मैक्सिम वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास एल की जो वैल्यू आएगी दैट इज एल इजिकल टू फाइव एलिजिकल टू फाइव बट आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं बच्चों के ईजल टू टेन है और एलिजिबल टू फाइव हमारे पास है तो एल के इजल टू टेन और एलिजिबल टू फाइव सो डी ऑप्शन फिट बैठता है हमारे पास है ना दैट इज थर्टी एंड दैट इज़ टेन प्लस फोर्टी तो फोटी इज द करेक्ट आंसर इस तरह से इसको निकाला जा सकता है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों वही उसी कंपनी से अपना बेस्ट सवाल है ना तो उसमें अगेन सर्कल दिया हुआ है हमें वो सेट ऑफ पॉइंट्स रखे ना देट आर लाइंग ऑन द बाउंड्री और इन साइड दिस सर्कल लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर दिया हुआ है अब की बार हमें आर ही दिया हुआ है ना अब पता लगाना है हमें नंबर ऑफ ऑल दो सर्कल्स डी एन देट आर इन साइड दिस रीजन और रीजन कौन सा है रीजन वो है उसमें वो पॉइंट लाए कर रहे हैं जो इस सर्कल की बाउंड्री पर है या सर्कल के अंदर है ना डी के बारे में जो रखा है हमें अगर हम ध्यान से देखें तो डी के बारे में जानकारी हमारे पास ये है ना कि डी सर्कल हमारे पास है उसका सेंटर है एस एन माइनस वन एस एन माइनस वन एन रेडियस टू ए एन रेडियस टू ए एन तो ध्यान से देखें अगर मैं डी वन की बात करूंगा डी टू की बात करूंगा तो उससे क्या होता है देखते हैं ना अगर मैं डी वन सर्कल की बात करूं तो डी वन सर्कल का जो सेंटर आएगा दैट इज एस जीरो कोमा एस जीरो और उसका रेडेस क्या आएगा बच्चों ए वन आ जाएगा विल कम आउट टू बी ए वन अगर मैं डी टू और मैं एस जीरो की बात करूं तो एस जीरो बच्चों क्या है जीरो कमा जीरो हमारे पास है ना एस जीरो इज जीरो कमा जीरो और रेडेस कितना हो गया वन के बराबर हो गया अगर मैं डी टू सर्कल की बात करूंगा तो सेंटर विल बिकम एस वन कमा एस वन और एस वन की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास वन है ना तो यह तो आ जाएगा वन कमा वन आ जाएगा हमारे पास और वाडीज रेडियस इज ए टू वाडी ए टू इज वन बाई टू ऐसे अगर मैं डी थ्री की बात करूंगा तो मैंने तीन रख दिया सेंटर विल कम आउट टू बी एस टू कमा एस टू और अगर मैं एस टू को निकालना चाहूंगा तो विल कम आउट टू बी थ्री बाई टू थ्री बाई टू कोई टू आ जाएगा बच्चों तो लग रहा है ये सारे सेंटर वाई जगह टू पे लाई करेंगे मतलब ना। और कितनी आ जाएगी ए थ्री वन बाई फोर इस तरह सर्कल चलते रहेंगे हमारे पास है ना और अगर मैं एक डी फो निकाल के देखू तो डी फोर का सेंटर आएगा एस थ्री और एस थ्री विल कम आउट टू बी जैसे जीरो प्लस वन से वन आ गया वन प्लस वन बाई टू से थ्री बाई टू आ गया थ्री बाई टू प्लस वन बाई फोर That is 6 4, 7 4 आ जाएगा ना तो आ जाएगा एस थ्री कॉमा एस थ्री और वह फोर कॉमा सेवन बाई फोर एंड ए फोर इस तरह के सर्कल आ गए ना पता लगा ना इस तरह के सर्कल ऐसे कितने सर्कल होंगे जो उस रीजन के अंदर लाई कर सके ना जो उस सर्कल की बाउंड्री पे अंदर लाई कर सके ना अब इनको ड्रो करते हैं ना इनको ड्रो करने के लिए हमें देख सकते हैं इनको अगर मैं ड्रो करूंगा तो ये सबके सेंटर वाई जिकल टू एक्सपेल आई करेंगे ना तो बेसिकली वहाँ वो डिस्टेंस निकाली थी ना हमने उस डिस्टेंस को रेडियस के बराबर किया था उससे कम किया था यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा जो सर्कल बनेंगे ये कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे ना और जो भी वो डिस्टेंस कवर करेंगे हमें मान लेते हैं भाई एन सर्कल हमारे पास है और हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल कितने सर्कल आ सकते हैं तो बेसिकली वो जो एन सर्कल जो डिस्टेंस कवर करेंगे उस डिस्टेंस को हम रेडियस के बराबर कर देंगे या उससे कम कर देंगे ना तो अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें यहाँ पर तो डायग्राम बना के देखते हैं अपन है ना डायग्राम बना के देखते हैं यहां पर इसको रब कर देता हूं बच्चों में ना क्योंकि स्पेस अपने को कम मिल रहा है थोड़ा इसको मैं रब कर देता हूं थोड़ा मैं याद रखने की कोशिश करूंगा आप भी नोट कर लिया होगा आपने ना तो जो सर्कल हमारे पास है वो इस तरह का है और इस तरह इसमें आर जो रखा है मैं आर इजिकल टू रेस्ट पावर वन नाइन नाइन माइनस वन अपॉन टू रेस्ट पावर वन नाइन एट इन टू जो डिस्टेंस है हमारे पास दिस्टेंस 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 दिस डिस्टेंस दिस अब डी एन सर्कल आएंगे ना उन सब के सेंटर का रहे हैं, वाई पर कर रहे हैं ना। तो जो फर्स्ट सर्कल आ रहा था डी वन उसका सेंटर क्या था बच्चों जीरो का जीरो था है ना

सेकंड सर्कल का सेंटर ये वाला हो जाएगा और उसका रेडियस जो आया था वो रूट टू आया था ना तो हम ध्यान से देखें अगर ये वन कोमा वन है तो ये नहीं रूट टू नहीं वन बाई टू आया था ना सर्कल का जो डी टू सर्कल था उसका सेंटर तो 1, 1 था लेकिन रेडियस विल बी रेडियस वॉज वन बाई टू वन बाई टू तो ये सेकंड सर्कल का सेंटर तो ये है अब रेडियस उसका वन बाई टू अगर हमारे पास है तो देखो तो तो ये डिस्टेंस रूट टू है और ये डिस्टेंस वन है तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी आ जाएगी कि बच्चों रूट टू माइनस वन जो अप्रॉक्सिमेटली जीरो पॉइंट फोर समथिंग आएगा ना लेकिन हमारे पास एड्रेस हाफ है ना तो इसका मतलब वो जो सर्कल इसको सेंटर मानते हो सर्कल ड्रो करूंगा वो कुछ थोड़ा कट करेगा इसको ना वो थोड़ा इसको, इसको इस तरह से कट करेगा ना तो अगर मैं दो सर्कल की बात करू ना एक सर्कल और करते हैं अपन उसका सेंटर है थ्री बाई टू थ्री बाई टू अब थ्री बाई टू थ्री बाई टू का मतलब ये जो पॉइंट हमारे पास है अगेन थ्री बाई टू थ्री बाई टू लेंगे तो बाहर आएगा फिर अगर मैं सर्कल ड्रो करूंगा उसका रेडियस वन बाई फोर आएगा तो वो ऐसा आ जाएगा ना इस तरह सर्कल चलते रहेंगे ना तो अगर मैं तीन सर्कल तक की बात करूँ ना तो बेसिकली अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ अगर मैं यहाँ से आता की डिस्टेंस निकालना चाहूँ अगर मैं यहाँ से तक की डिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो बेसिकली हम देख रहे हैं भाई ये हमने मान लिया भाई इस तरह के एन सर्कल होंगे हमारे पास अगर सर्कल तीन ही होते तो बेसिकली ये डिस्टेंस कितनी आती है हमारे पास ये देखने की कोशिश करते हैं अपने ना तो देखो उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ये थर्ड नंबर का जो सर्कल है इसके सेंटर की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो थर्ड नंबर का जो सर्कल है उसके ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो और इसमें थर्ड नंबर के सर्कल का रेडियस एड कर दो तो यहां से तक का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास हम मान रहे हैं लेकिन ऐसे एन सर सर्कल आएंगे ना तो अगर एन सर सर्कल आएंगे तो हम चाहते हैं वो जो डिस्टेंस आएगी हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो इस रेडियस से क्या आनी चाहिए कम आनी चाहिए या उसके बराबर आ जाना चाहिए ना तो जो एन एस सर्कल आएगा ना हमारे पास उस एनएस सर्कल का सेंटर यानी डी एन जिसको बोल रहे हैं अपन उसका सेंटर है एस एन माइनस वन और एस एन माइनस वन ये एन एस सर्कल हमारे पास है और जो उसका एड्रेस है वो ए है ना हमारे पास तो अगर हमें पूरी डिस्टेंस निकालनी है कि अगर एन से सर्कल आए तो जो डिस्टेंस हमें मिनिमाइज़ करनी है जिसको कंडीशन लगानी है इस पर हमें हम चाहते हैं वो जो डिस्टेंस आएगी वो इस लेंथ के बराबर आनी चाहिए इससे कम आनी चाहिए ना तो उसको निकालने के लिए क्या करो सेंट सेंटर की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लो पहले और अगर मैं इस सेंटर की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे हिसाब से हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं ना दैट विल कम आउट टू बी रूट टू इंटू एस एन माइनस वन रूट टू इंटू एस एन माइनस वन वो आ जाएगा रूट टू इंटू एस एन माइनस वन

तो यहाँ रख सकते हैं इसको मैंने एस एन माइनस वन ही आ जाएगा हमारे पास है ना तो इसको अगर हम कैलकुलेट करने के बारे में सोचेंगे तो ये थोड़ा रब कर देता हूँ उसको ना क्योंकि इसका काम तो खत्म हो गया है डिस्टेंस समझ में आई गई हमारे ना तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ना <laughs> तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास रूट टू दिस इज रूट टू यह आ जाएगा रूट टू इंटू टू टाइम्स वन माइनस वन अपॉइंट टू टू एन माइनस वन ये एस एन माइनस वन हो गया प्लस वन पॉइंट टू रेस्ट पावर एन प्लस वन टू रेस्ट पावर एन एंड देट मस भी लेस इक्लूड दिस इसको भी रब कर देता हूँ मैं ना ताकि थोड़ा आसान रहेगा अपने लिए ना इसको भी मैं रब कर देता हूँ यहाँ से वो कितना आ रहा है टू रेस्ट पावर वन नाइनटी नाइन माइनस वन इंटू रूट टू अपॉन टू रेस्ट पावर वन नाइनटी एट अब थोड़ा सा मेरे साथ सिम्प्लीफाई करके निकाल सकते हैं इसको आप चाहें तो ना थोड़ा सा इसको देख सकते हैं आप है ना अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो मल्टीप्लाई करने पर देखो कितना आ जाएगा यहाँ सिम्पलीफाई करते हैं अपन इसको ना तो ऊपर आएगा टू हमारे पास टू रेस्ट टू पावर वन बचेगा पावर वन नाइनटी एट एंड रूट टू तो देखो अगर मैं इंटरचेंज करूंगा ना तो ये टू रूट टू वन से मल्टीप्लाई होगा तो टू रूट टू को वन से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा और इस टू रूट टू को मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगा इंटरचेंज करने पर कैंसिल हो जाएगा ना ठीक है बच्चों सही लिखा है मैंने मेरे हिसाब से ना मैंने सही लिखा है अब मैं पॉजिटिव टर्म को पहले लिखता हूं ना एक तो ये इससे मल्टीप्लाई होना बाकी है तो माइनस टू रूट टू माइनस टू रूट टू अपॉन टू टू पावर एन माइनस रूट टू अपन टूटर एट बस अब थोड़ा, थोड़ा सिंपलीफाई करना है मुझे एन में थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको निकालेंगे अगर हम तो मेरे हिसाब से शायद दिक्कत कम आएगी अपने को ना तो उसको निकालने के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं इसका एल्सम लेते हैं अपन टू रेस पावर। <coughs> या टू रेस पावर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम टू रेस पावर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टू रेस्ट पावर से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा इसको रिमूव कर देता हूँ बच्चों में ना अगर मैं टू रेस्ट पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वाड इजेट वन माइनस वन माइनस फोर रूट टू आ जाएगा शायद मेरे हिसाब से फोर रूट टू वन माइनस फोर रूट टू एन लेस देन इक्वल टू टू रेस्ट पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस रूट टू रहेगा और टू रेस्ट पावर एन से मल्टीप्लाई करने पर मतलब टू रेस्ट पावर एन माइनस वन एट आ गया है ना टू रेस्ट पावर एन माइनस वन एट तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करने के बारे में सोचूँ तो ये कितना आ जाता है हमारे पास टू रेस्ट पावर आई थिंक मैंने सही किया है ना वन अपॉन टू रेस्ट पावर एन टू रेस्ट पावर एन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो गेट वन टू रेस्ट टू पावर एन से मैंने मल्टीप्लाई किया तो टू रूट टू तो मेंटेन रहा ना और हमारे पास आ जाएगा फोर रूट टू टू रेस्ट टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस रूट टू एंड टू रेस्ट पावर एन माइनस वन नाइनटी एट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं फोर रूट टू माइनस वन गटैन इक्वल टू दिस इज रूट टू इन टू टू रेस्ट पावर एन माइनस वन नाइन्टी एट अब इसको क्या करते हैं अपन डिवाइड कर देते हैं ना रूट टू से डिवाइड कर देते हैं इसको ना रूट टू से डिवाइड करते हैं इसको या फिर ऐसा करते हैं अपन इसको टू रूट टू से डिवाइड कर देते हैं ना टू रूट टू से थोड़ा अच्छा आएगा उससे ना टू रूट टू से डिवाइड कर देते हैं इसको ना मेरे हिसाब से सही लिखा है मैंने सब कुछ है ना तो अगर मैं डिवाइड करता हूं उसको टू रूट टू से तो वाट वी गेट टू माइनस न अपॉन टू रूट टू टू रूट टू से डिवाइड कर रहा हूं मैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट टू से डिवाइड किया जाए टू रूट टू से हट जाएगा एंड वी गेट टू रेस्ट टू पावर एन माइनस वन नाइन्टी नाइन आ जाएगा वन नाइनटी नाइन अब देखो ये जो नंबर हमारे पास है टू से छोटा है ना हमें एन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना ये जो नंबर आ रहा है टू से छोटा है ना और हम चाहते हैं ये उससे बड़ा होना तो ये कभी टू नहीं बनना चाहिए ना टू से कम बनना चाहिए ना टू कब बनेगा जब एन बराबर वन होगा ना यानी वन नहीं बनना चाहिए ना तो एन माइनस वन ट्रिप वन डबल नाइन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो एन मस्ट बी लेस देन एक वन डबल नाइन तो एन की जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी वन डबल नाइन आ जाएगी ना इतने सर्कल जो है वहाँ हम ड्रो कर सकते हैं ना थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन में मेरे हिसाब से मैंने सही की है ना कैलकुलेशन आप भी चेक कर सकते हैं कंसर्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया आपको ना एंड द फाइनल आंसर इज़ वन डबल नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना ये भी थोड़ा लेबनी स्तरम पर बेस और डेफिनेट डेफिनेटिकल की प्रॉपर्टी पर बेस दे ए ओडी का यूज़ होगा इसके अंदर ना तो काफ़ी सारे फंक्शन दिए हुए हैं साई वन एक्स है सिंबल है इसको साई बोलते हैं ना साई वन एक्स साई टू एक्स थोड़ा आसान रहेगा इसलिए मैं इसको जो है वो हम फाई एक्स बोल देते हैं ना लिखना करना आसान रहेगा अपने लेना इसको मैंने फाई एक्स फंक्शन बोल दिया बच्चों ने और इसको बोल देता हूँ मैं जी एक्स जी एक्स वैसे यूज़ कर रखा है इन्होंने तो इसकी जगह इसको एच एक्स बोल देते हैं बड़े ना साई टू एक्स को मैंने एच एक्स मान लिया ना तो हमें अलग अलग फंक्शन दिए हुए साई वन की जगह मैं फाई एक्स बोल रहा हूँ और साई टू एक्स जो फंक्शन है उसको मैं एच एक्स बोल रहा हूँ बाकी एफ एक्स जी एक्स हमें दिए हुए हैं ना डेफिनेट इंडिकल है माइनस एक्स एक्स देखते हैं अच्छा लगा है ना प्रॉपर्टी नंबर चार का कहीं इस्तेमाल कर लेंगे इवन रोड वाली बात करेंगे ना या कहीं ना हो सकता है लेबिनिस्टोर वगैरह लगानी पड़े हमने को जी ऑफ जीरो जीरो दे रखा है हमें और एफ ऑफ जीरो भी जीरो दे रखा है ये दो कंडीशन और हमारे पास है जी ऑफ ज़ीरो बराबर जीरो एन एफ ओफ़ जीरो बराबर जीरो तो इसमें अब करना क्या है देखते हैं हम तो वो ऑप्शन इसमें रीड करने पड़ेंगे अपने को ना तब जाके निकाल पाएंगे ना <laughs> बार बार इसको स्क्रोल करना पड़ेगा अपने को तो एक तो मैं ये कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एलन स्क्वायर रूट ऑफ एलन थ्री एंड जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एलन थ्री तो वन बाय वन ही चेक करते हैं ना जैसे भी निकालेंगे एफ एक्स इंक्रीजिंग है निक्रीजिंग है उसके लिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन को ना और बाकी ये कुछ यूज़ करना है अपने को ना तो फर्स्ट इसके बारे में सोचते हैं पहले अपने है ना एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एलन थ्री एंड जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एलन थ्री ये वन बाई थ्री आ रहा है नहीं आ रहा है ये देखना है अपने को ना इसको कैलकुलेट करने के बारे में सोचेंगे अपन पे ना तो उसके लिए जो है हमें एक तो कैलकुलेट करना है एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री एन प्लस जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री जी ऑफ स्क्वायर ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों कि वन बाई थ्री आ रहा है या कितना आ रहा है ये पता लगाना है अपने को तो उसके लिए एफ एक्स फंक्शन हमारे पास यहाँ है ना तो इसमें एक्सिकल टू हम स्क्वायर रूट ऑफ एलन थ्री रख देंगे ना और जी एक्स भी हमारे पास दोनों की जरूरत पड़ेगी अपने को ना तो यहां ये देखें भाई ये जो फंक्शन है ना एफ के अंदर ये एक इवन फंक्शन है हमारे पास क्लियरली विजिबल है मेरे हिसाब से माइनस ए टू ए लगा हुआ है या माइनस ए टू एक्स तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं ना एक्स पोरिटी दिया हुआ है मैंने तो इसको लिख सकता हूं कैन भी रिटर्न टू टाइम्स ये जो अंडरलाइन किया है मैंने समझ में आ रहा होगा आपको ना ये इवन फंक्शन है मॉट टी माइनस थी स्क्वायर ब्रैकेट ई रेस्ट पावर माइनस थी स्क्वायर तो प्रॉपर्टी नंबर चार अप्लाई करते हैं माइनस ए टू वाले जीरो टू ए विल बिकम मॉडल्स ऑफ टी माइनस थी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस थी स्क्वायर डी टी एक्स के बारे में जानकारी कि एक्स पॉजिटिव है हमारे पास है ना ये एक्स के बारे में जानकारी हमारे पास दे रखी है ना अब देखो अगर एक्स पॉजिटिव है तो लिमिट टी की हमारे पास है और अगर लिमिट टी की तो टी जीरो और एक्स पॉजिटिव है यानी टी की अगर लिमिट है और टी जीरो से एक्स में है, और एक्स दे रखा है कि पॉजिटिव यानी टी पॉजिटिव हो गया इसका मतलब तो ये मॉड लगाने की कहीं आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से ना एफ एक्स को मैं सिंप्लीफाइड वे में से लिख सकता हूँ टू टाइम्स जीरो टू एक्स एंड दैट इज टी माइनस टी स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क् डी टी इसको ऐसा लिखा है अब देखो ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क्वायर भी है और टी भी हमारे पास कहीं ना कहीं आ गया है ना थोड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई इंटीग्रेट कर पाएंगे ना हमें ये कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है इसमें एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन थ्री है ना तो उसको कैलकुलेट करने के बारे में सोचते हैं ना पहले इसको अलग अलग करने की कोशिश कर लेता हूँ एक बार इसको लिख सकता हूँ एफ एक्स इजिकल टू दिस कैन बी रिटन एज टू को भी अंदर यूज कर लेता हूँ मैं जीरो टू एक्स जीरो एंड दैट विल बिकम टू टी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क्र ये इंटिकेबल है इसको इंटिकेट कर सकता हूँ मैं ना फिर मैंने माइनस साइन का यूज कर लिया देट इज इंटिकल जीरो टू एक्स टू टी स्क्र टू टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क्र डी टी है ना इसको ऐसा लिख लिया मैंने ना अब हमें निकालना है एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल एन रूट थ्री तो एक्स को रिप्लेस कर देते हैं स्क्वायर से ना दर फॉर एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री तो एक्स को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो विकेट जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री आ जाएगा बच्चों यहां एंड दैट इज टू टी इंटू ई रेस्टू पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी यहां भी आ जाएगा जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री टू टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क्र डी टी ये ऐसा आ गया बच्चों तो ये तो इंटिकेबल लग रहा है अपने को इसको इंटीग्रेट कर लेंगे नाम हम क्योंकि टी स्क्र का डेरिवेटिव जो है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टी, टी स्क्टूटी आएगा लेकिन हमारे पास माइनस टी स्क्र है ना तो कहीं ना कहीं बच्चों ऐसा हैं माइनस साइन को एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ माइनस साइन को मैंने एडजस्ट कर लिया और यहाँ माइनस साइन लगा दिया ना अब इसको ध्यान से देखें अगर हम तो इसका जो इंटीग्रल आएगा ना दैट विल बेस्ट पावर माइनस टी स्क् और डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों इसका ई रेस्ट पावर माइनस टी इसका इंटीग्रल जो आएगा वो ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन मैंने बाहर अप्लाई कर रखा है ना थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करना पड़ेगा बच्चों मुझे ना <laughs> तो फंक्शन जो आगे था हमारे पास एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एन थ्री आ गया था हमारे पास है ना वो माइनस को मैंने बाहर लिखा था अभी जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ एन थ्री लिखा हुआ था और वो था माइनस टू टी इंटू रेस्ट पावर माइनस टी स्क्र डी टी और एक था माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ जीरो टू एल एन थ्री जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री और वो था आई थिंक मेरे हिसाब से टू टी स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी ये ऐसा लिखा हुआ था ना अब ये तो हम इंटीग्रेट कर ही पा रहे हैं ना और इसका जो इंटिकल आएगा माइनस साइन तो बाहर है ना और इसका इंटिकल आएगा ई रेस्ट पावर माइनस टी स्क्वायर जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री है ना अब इसको हम क्या डिस्टर्ब नहीं करते अभी है ना क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऑफ फैक्स फंक्शन लिखा हुआ है ना कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहेगा हमारे और वो कैलकुलेट कर पाएंगे ना तो यहाँ तो हम देख लेते हैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अभी ना इंटिकल जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ एलन थ्री ई रेस्ट पावर टू इंटू टी स्क्ट पावर माइनस टी स्क्र डी टी यहां वैल्यू निकाल लूंगा मैं ना हम टी को रिप्लेस करेंगे क्योंकि टी की लिमिट हमारे पास है तो टी को रिप्लेस करेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ एलन थ्री से तो इट विल बिकम माइनस एलन थ्री और जीरो सेवन आ जाएगा ना तो एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एलेन थ्री इक्वल टू माइनस साइन बाहर है बच्चों वी गेट ई रेस्ट पावर माइनस एलेन थ्री एंड माइनस वन तो ये कितना आ जाएगा बच्चों वन बाई थ्री माइनस वन आ जाएगा ना उसको कॉपी करना बाकी भी है ना उसको लिखूंगा अभी मैं ना तो ये आएगा हमारे पास वन बाई थ्री माइनस वन दैट इज माइनस टू बाई थ्री तो टू बाई थ्री आ जाएगा बच्चों है ना नू बाई थ्री एंड टू बाई थ्री ये माइनस टू बाई थ्री आएगा माइनस साइन बाहर है तो प्लस टू बाई थ्री आ जाएगा और वो बचा हुआ है ना फिर मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा इसको एक बार ना तो ध्यान से देखें हम ये निकाल चुके हैं मतलब एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एल एन थ्री ये मैं कैलकुलेट कर चुका ना एंड इज माइनस जीरो एंड टू टी स्क् इंटू रेस्ट पॉल माइनस टी स्क्वायर डी टी ये कैलकुलेट कर चुके बच्चों इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर वन अब ध्यान से देखें हमारे पास जो जी एक्स फंक्शन है हमें जी ऑफ स्क्वायर ये भी हमें कैलकुलेट करना है जी ऑफ स्क्वायर रूट एलन थ्री इसको भी कैलकुलेट करने के बारे में सोचना है अपने को ना तो कहीं ना कहीं जो जी एक्स फंक्शन हमारे पास है उसको देखना पड़ेगा एक बार हमें तो जो जी एक्स फंक्शन बच्चों हमारे पास है वही है ना जीरो टू एक्स स्क्वायर रूट टी और ई रेस्ट पावर माइनस टी रूट टी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस टी ये भी वैलिड तब है जब एक्स पॉजिटिव दे रखा है ना तो जी एक्स को लिख लेता हूँ बच्चों में ना जीरो से एक्स स्क्वायर रूट टी और ई रेस्ट पावर माइनस टी तो दिया हुआ था जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो स्कूफ एलन थ्री निकालेगा हम क्या करते हैं इस तरह का फंक्शन देखो क्रिएट हो जाएगा अगर हम टी को पी स्क्वायर रिज्यूम कर स्क्वायर रिज्यूम करूंगा तो इटव माइनस पी इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को, दोनों को ऐड करना है तो वीगेट टी इज टू पी स्क्वायर मैंने पुट कर दिया टी इज टू पी स्क्वायर लिमिट टी टी की हमारे पास है ना तो जब टी बराबर जीरो है तो पी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों जीरो आ जाएगा ना और जब टी बराबर एक्स स्क्वायर है तो पी इज टू कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा अब इसको रिप्लेस कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को पी में लेके आ जाते हैं वट इज अंडरवुड पी स्क्वायर क्योंकि दे रखा है कि टी वगैरह सब पॉजिटिव है हमारे पास है ना तो टी अगर पॉजिटिव पी स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है ना तो पी भी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना तो ये आ जाएगा हमारे पास पी दिस इज पी ई रेस्ट पावर मानस पी स्क्वायर और वट इज डी टी

इन टू ई रेस्ट पावर माइनस पी स्क्वायर डी पी ये सब बच्चा अब ध्यान से देखो ये वही लिखा हुआ है ना हम पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं हम जानते हैं ना तो वट इज दिस और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दिस इज सेम एज वैल्यू ऑफ जी एट एक्स इजिकल टू स्क्वायर थ्री तो दिस विल बिकम जी ऑफ स्क्र एलन रूट थ्री जी ऑफ स्क्र रूट ऑफ एलन थ्री बस इसको इंटरचेंज कर लूंगा मैं ना और इंटरचेंज करने पर जो वैल्यू आएगी मेरे पास दिल बू बाई थ्री तो वो टू बाई थ्री आएगा बच्चों हमारे पास है ना वो टू बाई थ्री आ जाएगा वन बाई थ्री नहीं आएगा मतलब फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है दिस विल कम आउट टू बू बाई थ्री मेरे हिसाब से क्लियर हो होगा वो बच्चों आपका ना उसको इंटरचेंज कर लेंगे अपन दिस विल बिकम जी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वार थ्री बस उसको जैसे इंटरचेंज करूंगा तो वैल्यू टू बाई थ्री आ जाएगी तो जो ए ऑप्शन है बच्चों में इनकरेक्ट है ना क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगी हमारे टू बाई थ्री अगर टू बाई थ्री लिखा होता तो, तो, तो करेक्ट मानते इसको ना सेकंड पर आते हैं हम फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन वन देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू वन कोमाई एक्स सच दैट साई वन एक्स फजिकल टू वन प्लस अल्फा एक्स तो थोड़ा आसान है हालांकि सोचना पड़ता है ना कैलकुलेट करते वक्त सोचना तो पड़ा अपने को ना जो साई वन एक्स फंक्शन दे रखा है उसको मैंने बोल रखा है शायद फाइव एक्स एंड दैट इज ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस एक्स और वो दे रखा है जब एक्स जीरो के बराबर है जीरो से बड़ा है ना तो उसको सोल्व करने के बारे में अगर हम सोचे हैं ना तो उसमें ध्यान से देखो आप वो लिखा हुआ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इजिकल टू वन प्लस एल्फा एक्स एल्फा के बारे में पता है कि भाई एल्फा अगर इस इंटरवल का एलिमेंट है तो नो डाउट अल्फा वन से बड़ा होगा ना ये हमने पता लगा लिया ना एक्स के बारे में दे रखा है कि एक्स वन से बड़ा है ना अब देखो इसको हमें देखना है कि भाई अगर ऐसा कोई वन से बड़ा नंबर फॉर एवरी ग्रेटर देन वन यानी एक्स की कोई भी वैल्यू अगर मैं वन से बड़ी लेता हूँ तो इस सेंट्रल में क्या कम से कम को एक एक्स अल्फा एक ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करेगा क्या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ये मुझे पता लगाना है ना तो हमने साइ वन एक्स को तो रख ही दिया ना इसको थोड़ा लगा इंटेलिजेंसी का अगर हम इस्तेमाल करें थोड़ा इसको इंटरचेंज करें अगर हम इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं दिस इज एक्स इन टू माइनस वन अब देखो एक्स तो पॉजिटिव है ही से हमारे पास है ना एक्स वन से बढ़ाया है मतलब एक्स पॉजिटिव है ना अल्फा वन से बढ़ाया तो ये पॉजिटिव आ गया और अगर एक्स वन से बढ़ा है हमारे पास तो देखो ये जो वैल्यू आएगी ना बच्चों ये नेगेटिव आ जाएगी ना यानी ऐसा कोई अल्फ़ा पॉसिबल होगा ही नहीं कि ये इक्वलिटी होल्ड करे ना ऐसा कोई अल्फ़ा पॉसिबल होगा ही नहीं कि इक्वलिटी होल्ड करे ना तो ये बी ऑप्शन भी क्या आ गया बच्चों इनकरेक्ट आ गया ना ए इनकरेक्ट आ गया बी इनकरेक्ट आ गया हमारे पास सी वाले पर आते हैं ना तो सी वाले में कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा अपने को और हमने जो फंक्शन साई टू एक्स हमारे पास फंक्शन है उसमें अगर हम एल एम बी टी अप्लाई कर देना जीरो टू एक्स की बात कर रहे हैं वो अगर मैं एल एम बी टी अप्लाई कर दूँ साई टू एक्स फंक्शन के अंदर तो सिंपली मुझे एल एम बी टू अप्लाई करना है ना फंक्शन डिफरेंशियबल भी हमारे पास दिख रहा है जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है साई टू एक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है ये डिफरेंशियबल दिख रहा है हमें है ना कंटिन्यूस भी है बाउंड्री पॉइंट की वैल्यू की बात नहीं कर रहे अपन एम बी टी अपलाई करके देख रहे हैं ना तो अगर मैं उसको अप्लाई करूँगा तो पहले मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा ना ये यहाँ मैं रब कर देता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको ना तो अगर मैं साई टू एक्स फंक्शन को लूँ तो फंक्शन लिया मैंने साई टू एक्स या मैं उसको एच एक्स बोल रखा है मैंने ना और फंक्शन ले रहा हूँ मैं ये वाला लिखा हुआ है हमारे सामने और इंटरवल लिया मैंने जीरो टू एक्स इस सेंट्रल में अगर मैं एल एम बी टी अप्लाई करूँगा ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना तो हम बोल सकते हैं अगर मैं एल एम बी टी अप्लाई कर रहा हूँ तो दोनों रेस्ट्रिक्शन एल एम बी डी के ट्रू होंगे यहाँ पर तो वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन बीटा एट लीस्ट वन बीटा बिलोंग्स टू जीरो को एक्स सच दैट कि अगर मैं कोड का स्लोप निकालूंगा ना तो वो टेंजेंट के स्लोप के बराबर आ जाएगा ना वो टेंजन के स्लोप के बराबर आ जाएगा ना कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां टेंजन का स्लोप निकालूंगा तो वो कॉर्ड के स्लोप के बराबर आ जाएगा ना फाइ टू बोल रहे हैं इसको बने ना टू, क्योंकि फंक्शन हमारे पास है साई टू एक्स अब वट इज साई टू एक्स साई टू एक्स इज दिस एक्स स्क् माइनस टू एक्स यहां से बोल सकते हैं हम साई टू एक्स यानी कम से कम एक बीटा ऐसा होगा जीरो से एक्स के अंदर जाए एकटी होल्ड करेगी कम से कम एक बीटा ऐसा होगा इस इंटरवल के अंदर जहां एक होल्ड करेगी डेफिनेटली ना तो वट इज साई टू जीरो

और उसको लिख सकता हूं मैं ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वन और हमें निकालना है फाइव टू डेट बीटा तो फाइव टू डेट बीटा कैन बी रिटन एज टू टाइम्स ई रेस्ट पावर माइनस बीटा प्लस बीटा एंड माइनस वन ये ऐसा आ जाएगा बच्चों तो हमने ये देखा हुआ एलिमिटी अगर मैं लगा रहा हूँ तो जीरो टू एक्स ओपन इंटरवल जीरो टू एक्स में कम से कम एक बीटा ऐसा एक्जस्ट करेगा जहाँ ये इक्वलिटी होल्ड करेगी जहाँ ये इक्वलिटी होल्ड करेगी अब ध्यान से देखें ना हम तो हमें जो दिया हुआ है जो सी ऑप्शन हमारे पास है उसमें कहीं नहीं कहीं साई वन एक्स को यूज़ कर रखा है उन्होंने साई वन एक्स

साइवन बीटा माइनस वन तो दिस सी इज़ द करेक्ट आंसर एल एम वी टी को अप्लाई किया हमने है ना और एम वी टी को अप्लाई करने के बारे में सोचा और ये कैलकुलेट कर लिया ना अब हम आते हैं फाइव के एफ एक्स के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो ये तो मेरे साथ दिक्कत नहीं है इसमें तो ना जीरो टू वन में आ रहा है इंक्रीजिंग लेकिन अगर वो जीरो टू वन लिखा होता तो दिक्कत नहीं आती लेकिन जीरो टू थ्री बाई टू वन को भी क्रॉस कर रहा है तो वन के बाद कहने के वो डिक्रीज भी करेगा ना तो आई थिंक इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए एफ एक्स हमारे पास साफ साफ लिखा हुआ है ना उसको डिफरेंशिएट वगैरह करके निकाल सकते हैं ना उसके इंक्रीजिंग का इंटरवल निकाल सकते हैं ना एफ एक्स यही सही थोड़ा बहुत हमने देखा भी था ना क्या निकाल के देख सकते हैं अगर हम चाहें तो मेरे हिसाब से लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे ना, तो ये दिया हुआ एफ एक्स से जे हमने थोड़ा सोल्व कर लिया था इसको एफ एक्स को ना तो एफ एक्स आ गया था टू टाइम्स जीरो टू एक्स एंड दैट इज टी माइनस टी स्क्र डी टी ऐसा आ गया था बच्चों बट इसको डिफ्रेंशिएट कर दो अगर हम चाहते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या सिंपल एवनेस थोड़ा अप्लाई कर दिया हमने एफ एफडे एक्स कैन बी डन एस टू टाइम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना और हम ध्यान से देख सकते हैं क्रिटिकल पॉइंट आ गए इसके ना तो माइनस टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ने और अगर हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं सही लिखा है मैंने शायद ना एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स को कॉमन ले लिया माइनस एक्स को तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए एक जीरो और एक वन तो वन के बाद अगर हम देखें तो हमें देखना है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ये भी ऑलवेज़ पॉजिटिव है इसकी बात करनी है ना तो ये यहाँ यह पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव हो जाएगा इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं बच्चों बने ना और अगर ये नेगेटिव होगा तभी जाके इंक्रीजिंग आएगा ना तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है जीरो सेवन में ना तो जीरो सेवन में इंक्रीजिंग तो से आ जाएगा ना लेकिन हमें देख रखा है कि जीरो से लेकर थ्री बाई टू थ्री बाई टू तो वन से बड़ा नंबर तो वन को क्रॉस करते ही ये पॉजिटिव आएगा और ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा यानी डी इज़ इनकरेक्ट तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है ना टाइम लगा हालांकि लेंदी था सवाल है ना मतलब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो कर पाते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन वहाँ पेपर में सोचना बहुत मुश्किल है जिसने किया होगा मतलब वेरे ग्रेट अचीवमेंट है ना तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर आते हैं ना इसका सी और डी ऑप्शन चेक करना है हमें ए और बी तो हमने चेक कर लिया ना ए भी इनकरेक्ट है बी भी इनकरेक्ट है सी और डी चेक करना है दोनों सिमिलर काइंड के हैं बेसिकली ना जीरो टू हाफ में, में पता लगाना है एफ एक्स इसके बराबर है या छोटा है एफ एक्स बराबर या है बड़ा है जी एक्स बराबर या है छोटा है पता लगाना है ना तो किसी भी एक फंक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं जैसे जी एक्स हमारे पास है ना मान लो मैं जी से स्टार्ट करता हूँ ना तो जी से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो जो फंक्शन जी हमारे पास है दैट इज जीरो टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड ई रेस्ट पावर माइनस टी तो जी फंक्शन जो बेसिकली हमारे पास है दैट इज जीरो टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ टी एंड इंटू ई रेस्ट पावर माइनस सी ये जी एक्स फंक्शन दिया हुआ है अपने को ना और पता लगाना है कि भाई ये इसके बराबर ये इससे है इससे छोटा है ट्रू भी है या नहीं है अगर एक्स जीरो से हाफ में है तो ना तो थोड़ा सा इसको जो है मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा ना इंटिकल को बेसिकली निकालने के बारे में सोचना पड़ेगा तो पुट टी इजल टू हम पुट कर देते हैं जेड स्क्वायर पुट टी इजल टू जेड स्क्वायर और अगर मैं टी बराबर जेड स्क्वायर पुट करूंगा तो वीगेट जी एक्स इजिकल टू लिमिट हमारे पास किसी टी की है ना टी तो बराबर जीरो है तो जेड बराबर जीरो आ जाएगा और यहाँ एक्स आ जाएगा स्क्वायर इसक्वायर टी से आएगा जेड फिर डी टी से आएगा टू जेड एंड देट विल बिकम ई रेस्ट तो पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड ये ऐसा आ जाएगा बच्चों ना अब इसमें हमें देखना है कि भाई लेस देन ग्रेटर देन की बात करनी है कहीं ना कहीं ये एक्सपेंशन लगा हुआ है ना और हम ध्यान से देखें कि ई रेस्ट तो पावर माइनस जेड स्क्वायर भी हमारे पास है थोड़ा एक बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी एक्स इजिकल टू जीरो टू एक्स जीरो टू एक्स एंड दैट इज टू जेड स्क्वायर

टेन आ जाएगा हमारे पास है ना एंड दैट विल बिकम जेड टू द पावर टेन अपॉन टू जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ट्वेल्व आ जाएगा कहीं ना कहीं हमारे पास है ना लाइक वाइज आगे भी वो भी टर्म आएँगे हम जीरो से हाफ में इंटरेस्टेड है ना अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है ना और लिमिट लगानी है जीरो टू एक्स तो इन सबको इंटीग्रेट कर देता हूँ और जेड की जगह एक्स रख देता हूँ मैं ना तो कहीं ना कहीं जी एक्स आएगा हमारे पास आगे और भी मिलता रहेगा इस तरह से ना इस तरह से और भी मिलता रहेगा तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेट करने पर ध्यान से देखें आप है ना इंटीग्रेट करने पर जो एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास दैट विल बिकम इसको रिमूव करता हूं थोड़ा बहुत मैं यहां से ताकि ये दिख पाएगा अपने को ना। तो जी एक्स इजिकल टू डरफॉर जी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेट कर रहा हूं लिमिट लगा रहा हूं ना तो इसको इंटीग्रेट करूंगा टू बाई थ्री दिस विल बिकम टू बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस टू 5 फाइव एक्स टू दावर फाइव इंटीग्रेट करके लिमिट लगा रही है मैंने एक्स टू दावर फाइव फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा एक्स टू दावर सेवन अपॉन सेवन माइनस इसको इंटीग्रेट करूंगा तो वी एक्स x द पावर नाइन अपॉन ट्वेंटी सेवन और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो विकेट एक्स टू द आया था 10 आया था हमारे ये शायद टेन था हमारे ना क्योंकि तो सारी पावर इवन आएंगी तो हमने टू जेड स्कवायर से मल्टीप्लाई किया था ट्वेंटी फोर आया था जेड टू तो 10 है मेरे तो यहाँ नाइन आ गया वहाँ इलेवन आ जाएगा ना तो पावर इलेवन अपॉन एंड दिस इज ट्वेल्व इंटू अलेवन ये ऐसा कुछ आ जाएगा ट्वेल्व इंटू एलेवन अब हम देख रहे हैं कि एक्स हमारे पास जीरो टू हाफ में है ना देखो ये हमने क्रिएट कर लिया टू अपॉन टू बाई थ्री एक्स क्यूब टू बाई फाइव एक्स टू द पावर फाइव एक्स टू द पावर सेवन अपॉन्ट सेवन ये क्रिएट कर ली इसके आगे को हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना है कि कैसा होगा ना तो सिंस एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आगे से एक टर्म पॉजिटिव आ रहा है एक टर्म नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव से आ रहा है ना हमें यहीं तक ये अप्रॉक्सीमेट करना है ना इसको आगे देखना है ना तो ध्यान से देखो कि अगर एक्स जीरो से हाफ में हमारे पास इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जीरो टू हाफ इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जीरो टू हाफ तो जो ये टर्म होगा ना बच्चों ये डोमिनेटिंग होगा ना यानी एक तो ये टर्म तो हमारे पास है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है ना लेकिन ये टर्म डोमिनेटिंग होगा ना ये डोमिनेटिंग होगा तो इसलिए ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव आएगा ऐसे फिर दो टर्म आएंगी उनमें एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा लेकिन नेगेटिव वाला डोमिनेट करेगा ना यानी अल्टीमेटली जो वैल्यू आने वाली है जी एक्स की वो इससे कम आने वाली है ना अगर एक्स चीरो से हाफ में इससे कम आने वाला है ना दर फॉर वी कैन सेन इक्वल टू टू बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस टू बाई फाइव एक्स टू दावर फाइव एन प्लस एक्स टू दावर सेवन अपन और सिमिलरली हम सी ऑप्शन निकाल लेंगे ना हालांकि डी इनकरेक्ट है डी करेक्ट है हमारे पास है ना सी को निकालेंगे तो सी को भी निकाल सकते हैं हम चाहें तो लेकिन सी ऑप्शन को इसी तरह से निकाल लेंगे ना मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ऐसे ही आप निकालेंगे सी को ना एफ एक्स भी दिया हुआ है और एफ एक्स निकालने के बाद उसको इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे ना प्रॉपर्टी लगा दीजिए हमने प्रॉपर्टी नंबर चार तो जैसे मैंने ये बताया जी के बारे में ऐसे इसको निकाल लेंगे लेकिन ये भी लेस देन इक्वल टू आएगा एसिकली लेकिन हमें दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू तो सी इनकर है डी इज द करेक्ट आंसर द ओनली करेक्ट आंसर इज डी तो ऐसे को सोल्व कर सकते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी पर बेस्ट है क्वेश्चन है ना आसान है मेरे हिसाब से भी आसान सवालों की कैटेगरी में काउंट करेंगे इसको अ नंबर इज सेलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट टू थाउजेंड नेचुरल नंबर लेट पी बी द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री और मल्टीपल ऑफ सेवन ये हमें कैलकुलेट करना है ना तो भाई नंबर मैं निकाल रहा हूँ एक नंबर तो एक नंबर को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इजिकल टू थाउजेंड एक नंबर को सिलेक्ट करने के इतने वेज हो गए हमारे पास। अब हम चाहते हैं नंबर का मल्टीपल आए ना, तो 3 के मल्टीपल कितने का मल्टीपल आ जाए या फिर मल्टीपल आ जाए तो फॉर्मुला क्या हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेवन प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री इंटरसेवन अपॉन नंबर स्पेस नंबर ऑफ एलमेंट इन सिंपल स्पेस है ना इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन प्रोबेबिलिटी पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना वो मैंने डिवाइड कर दिया प्रोबेबिलिटी को लिख दिया ना नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखा प्रोबेबिलिटी को लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री का मतलब अगर मैं नंबर निकालू तो थ्री का मल्टीपल आ जाएगा ना नंबर अगर मैं निकालूंगा तो थ्री का मल्टीपल आ जाए तो थ्री का मल्टीपल काउंट कर सकते हैं ना थ्री के मल्टीपल काउंट करने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा कि सबसे पहले जो नंबर आएगा हमारे पास डट इज़ थ्री उसके बाद सिक्स आ जाएगा फिर नाइन आ जाएगा ना और बड़े से बड़ा नंबर निकाल सकते हैं जो ग्रेटेस्ट नंबर है स्टेट के अंदर लाई कर रहा है

42, likewise. इस तरह कैलकुलेट करके देखना है और इसमें जो लास्ट नंबर आएगा that is 7 से तो रहा है ना और तीन सेवन से भी डिवाइड हो, हो रहा है और तीन से भी डिवाइड हो रहा है ना तो इनकी काउंटिंग हमारे पास आ जाएगी दैट इज नाइन्टी फाइव दैट इज नाइन्टी फाइव बस अब निकाल सकते हैं ना इसको कैलकुलेट कर लो आप है ना दट द इज

एंड वी यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव हंड्रेड पी एंड विल केन फोर तो आसान था मतलब आसान सवाल की कैटेगरी में काउंट करेंगे उसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों लिप्स पर बेस्ट सवाल है ना जियोमेट्री पर भेज दे नाइन टेन में जो पढ़ते हैं अपन ट्राइंगल के बारे में उस पर भेज दें अदरवाइज तो काफी लेंदी हो जाएगा अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हरिजेंटल लिप्स दिया हुआ हमें ए इज ईगल टू फोर एंड बी इजल टू नाइन ए इज इगल टू फोर एंड बीजल टू थ्री तो दिस पॉइंट इज फोर को मैं जीरो

तो बेसिकली एम वन एम टू होंगे हमारे पास है ना ये एम वन एम टू है एम वन पी क्यू इज दिड पॉइंट अलग अलग दिया हुआ है ना एम पी क्यू के बारे में तो रखा है पी क्यू जो लाइन सेगमेंट आएगा उसका मिड पॉइंट बोल रहे हैं अपन एम पी क्यू और जो पी क्यू डेस लाइन सेगमेंट आएगा उसके मिड पॉइंट को बोल रहे हैं अपन एम पी क्यू डे ऐसा बोल रहे हैं उसका ना एंड पी क्यू क्यू डैश वेरी ऑन एलिप्स, लिप्स देन वी टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मिड पॉइंट्स एक पी क्यू का मिडिल पॉइंट है एक पी क्यू डैश का मिडिल पॉइंट है तो इन दो सेगमेंट के जो मिडिल पॉइंट है उनके बीच की मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है और दिया हुआ है कि पी और क्यू पॉइंट ये पी क्यू और क्यू डेस्ट पर लाई कर रहे हैं ना तो कहीं भी मान लो मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि पॉइंट पी है ये कहीं लिस्ट पर लाई कर रहा है ये भी पॉइंट क्यू है ये मैंने एज्यूम कर लिया कि क्यू है ना एक ट्राइंगल बना सकता हूँ हमें एक तो एम पॉइंट रिड्यूस करना है ना दिस इज मिडिल पॉइंट ऑफ इसको मैं एम वन नाम दे देता दे हूं बच्चों अच्छा ना इसको मैं एम वन नाम दे देता दे हूं मैंने मान लिया कि एम वन है पी क्यू का मिडिल पॉइंट मैंने एम वन मान लिया ना ये मिडिल पॉइंट है इसका ना और पी क्यू डेस्क का जो मिडिल पॉइंट है इसको मैं एम टू बोल देता हूँ ना ये एम टू आ जाएगा हमारे पास इसका मिडिल पॉइंट ये M2 आ जाएगा ना व्यू टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट इस सेगमेंट की मैक्सिमम निकालनी लेंथ निकालनी है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एंड मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू डेश तो ध्यान से देखेंगल में एक थ्योरम होती है ना हम ये अर्ली, अर्लियर क्लासेज में पढ़ लेते हैं कि तो हम यहां क्लियरली देख कर बोल सकते हैं हमें इसकी मैक्सिमल निकालनी है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए व्यू टू मैक्सिमाइज दिस

तो काफ़ी टाइम लगेगा बट दिस इज द ईजिएस्ट अप्रोच लास्ट प्रॉब्लम पर आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन्टीन है ना थोड़ा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हालांकि इस तरह के कंसेप्ट के सवाल करते हैं हम लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है ना एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो वही कैलकुलेट करने के लिए कंसेप्ट ये है कि इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो फंक्शन है वो जहाँ जहाँ इंटीजर हो रहा होगा वहाँ हमें ब्रेक करना पड़ेगा ना तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जेड इजीकल टू मैंने एज्यूम कर लिया जेड इजीकल टू टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन आप थोड़ा रेंज निकालने के बारे में सोचते हैं ना x हमारे पास जीरो से टेन में है तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ मैं ना डिफरेंशिएट करने के लिए इसको इस लिखा जा सकता है एक्स प्लस वन माइनस वन इसको ऐसा सोच सकते हैं हम लिखने के बारे में ना दैट इज़ एक्स प्लस वन रेंज निकालता हूँ ता इसकी ताकि मुझे मालूम पड़ेगा भाई इसकी एक्सेप्टेबल इंटीग्रल वैल्यू आएंगी वह किन किन इंटीग्रल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकता है ना तो देट कन्विडर इज जैट इजल टू दैट इज़ टेन माइनस टेन अपॉन एक्स प्लस वन और दिख रहा है कि डिफरेंशिएट करने पर पॉजिटिव आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज टेन अपॉन एक्सप्ल स्क्वायर एंड देट इज ग्रेटर देन जीरो इंक्रीजिंग है इसका मतलब है ना तो मिनिमम वैल्यू मिनिमम पॉइंट पर आ जाएगी मैक्सिम वैली मैक्मम पॉइंट पर आ जाएगी जीरो से टेन में रेंज निकाल लेता हूँ मैं ना तो जीरो पर अगर मैं निकालूगा जीरो आ जाएगा और टेन पर निकालूंगा तो बेसिकली जो जेड की रेंज हमारे पास आ गई जेड इज द एलिमेंट ऑफ जीरो टू हंड्रेड अपॉन एलेवन हंड्रेड अपॉन अलेवन तो बेसिकली जो है ये हमारे पास टेन से तो कम आएगा लेकिन नाइन से बड़ा आएगा ना हम इंटरेस्टेड हैं स्क्वायर रूट ऑफ जेड के अंदर क्योंकि जेड तो मैंने इसको एज्यूम किया है ना हम स्क्वायर रूट ऑफ़ जेड में इंटरेस्टेड है ना देर वर स्क्वायर रूट ऑफ जेड इज द एलिमेंट ऑफ ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है जीरो एंड दैट इज टेन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एलेवन तो ध्यान से देखें ये जो वैल्यू आने वाली है ना बच्चा हमारे पास क्योंकि ये नाइन से बड़ा था है ना तो ये तीन से बड़ा आएगा ना तो यानी इस इंटरवल के अंदर यानी जो स्क्वारुट हमारे पास बना हुआ है इसकी जो इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है ये जीरो भी आ सकता है इस सेंट्रल में जीरो भी आ सकता है वन भी आ सकता है टू भी आ सकता है थ्री भी आ सकता है ना तो जहां जहां भी ये इंटीजर हो रहा है ना इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो है उसको बोल रहे हैं अपन स्क्वायर रूट ऑफ जेड वो जहां जहां इंटीजर हो रहा है वो देखना है ना तो हम देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ जेड एक तो जीरो हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ जेड एक वन हो सकता है एक ये टू हो सकता है और एक थ्री हो सकता है ना फोर तो कभी होगा नहीं है ना क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ जेड की रेंज हमारे पास है ना तो यानी जेड बराबर जीरो की बात कर सकते हैं एक तो वो एक्स निकालो जो जेड जीरो हो रहा है वो क्लियर कट है ना जेड इजिकल टू वन हो रहा है ना और जेड इजिकल टू फोर है और जेड इजीकल टू नाइन है ना तो जेड इज व्हाट इज जेड इजन एक्सन एक्स प्लस यहां से तो आ जाएगा देखो एक्स बराबर जीरो यहां से आ जाएगा एक्स बराबर जीरो और अगर हम चाहते हैं कि वन के बराबर आए तो सिंपली बच्चों के बराबर इक्वेट कर लो उसको आप और अगर आप वन के बराबर इक्वेट करोगे अगर मैं जेड को वन के बराबर इक्वेट करूंगा तो वाट वी गेट एक्स इजिकल टू वन बाई नाइन ट एक्स इजीकल टू वन बाई नाइन अगर मैं जेड को फोर के बराबर इक्वेट करता हूं तो वाट वी गेट अगर मैं इसको फोर के बराबर इक्वेट करूंगा तो विकेट सिक्स एक्स इजिकल टू फोर दैट इज एक्सिकल टू टू बाई थ्री एक्स विल कम आउट टू बी टू बाई थ्री यहां से टू बाई थ्री आ जाएगा ना और अगर मैं नाइन के बराबर इक्वेट करता हूँ तो वाट वी गेट वेड एक्स इजिकल टू नाइन ये नाइन आ जाएगा बच्चों यहां से ना एक्स इजिकल टू नाइन तो मुझे इन पॉइंट्स पर लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा ना इन <coughs> सॉरी इन पॉइंट्स पर लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा बस अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ना अब हमें सवाल को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना शुरुआत में सोचने में थोड़ा टाइम लगा होगा अदरवाइज कंसेप्ट तो वही जब हम करते आते हैं ना तो इस इंटीग्रल को निकालने के लिए हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं पहले लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं बच्चों ना पहले हम लिमिट को ब्रेक करते हैं ना तो आई इजीगल टू तो जीरो टू वन बाय नाइन पहले जीरो टू वन बाई नाइन पर आ जाओ ना जीरो टू वन बाई नाइन इस इंटेटल में ये जीरो हो जाएगा ना पहले लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं लेकिन अपन वन बाय नाइन से कहां तक आ गए अपन वन बाय नाइन से लेकर टू बाई थ्री पर आ जाते हैं ना वन बाई नाइन से टू बाई थ्री पर आ गए फिर टू बाई थ्री से नाइन पर आ जाते हैं ना टू बाई थ्री टू नाइन और फाइनली नाइन से लेकर टेन पर आ जाते हैं ना नाइन से लेकर टेन पर आ जाते हैं ना अब जीरो से वन बाई नाइन के बीच में बेसिकली हम देख सकते हैं जो इंटीग्रल पार्ट के अंदर है ये जीरो हो जाएगा ना ये जीरो जीरोगा जीरो डी एक्स ये सब देख ही चुके हैं ना अपने ना वन बाय नाइन से टू बाई थ्री के बीच में कितना आ जाएगा बच्चों ये वन बाई नाइन पर तो वन आ रहा है वहां फोर आ रहा है मतलब वो टू आएगा मतलब वन आ जाएगा ना वन डी एक्स यहां पर ये टू आ जाएगा बच्चों ना टू डी एक्स और यहाँ पर आ जाएगा थ्री डी एक्स मेरे हिसाब से तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है आपको ये तो क्लियर कट जीरो आ ही रहा है ना और इसको कैलकुलेट कर लेंगे एंड वी गेट आई इज इगल टू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों मेरे हिसाब से ना वन एटी टू अपॉन नाइन ये ऐसा आ जाता है ना एंड वी टू फाइंड दिन नाइन आई एंड नाइन आई विल कम आउट टू बी वन एटी टू कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों मेरे हिसाब से ना ये सब कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं तो दिस इज़ द आंसर